हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 9, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप इससे पहले वाला चैप्टर, चैप्टर नंबर 8, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, वो एक बार जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप देख लीजिए, क्योंकि वो आप समझ लेंगे तो ये चैप्टर समझने में काफ़ी ईजी होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, लास्ट चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि जब नए इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होते हैं तो वो पेरेंट्स से सिमिलर तो होते हैं, लेकिन उनमें थोड़ा सा सटल डिफरेंस होता है, और इसी डिफरेंस को हमने क्या बोला था, वेरिएशन बोला था। ठीक है, और हमने ये चीज़ भी समझा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान वेरिएशन ज़्यादा होता है कंपेयर टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सब चीज़ हमने पिछले चैप्टर में देखा है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे ये वेरिएशन क्रिएट होते हैं और कैसे ये वेरिएशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, मतलब हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिडिटी पढ़ने वाले हैं, और दूसरा जो कॉन्सेप्ट है इवोल्यूशन, ये जो वेरिएशन ट्रांसफ़र होता है इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है। तो ये इवोल्यूशन आपके इस बार के सिलेबस से रिलेट हो चुका है, तो इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ हेरिडिटी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। तो देखिए, इनहेरिटेंस फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन प्रोवाइड्स बोथ अ कॉमन बेसिक बॉडी डिज़ाइन एंड सटल चेंजेस इन इट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। तो जब भी कोई बच्चा पैदा होता है अपने पेरेंट जनरेशन से, वो क्या क्या लेता है, दो चीज़ लेता है। सबसे पहला अ कॉमन बेसिक बॉडी डिज़ाइन, ठीक है, एक सिर होना, दो कुछ भी जो फीचर है वो लेता है, और साथ साथ कुछ चेंजेस भी वो अपने पेरेंट्स से लेता है। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे एक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल दिया गया है इस डायग्राम में। ये मान लीजिए एक बैक्टीरियम है और ये दो बच्चे को रिप्रोड्यूस करता है। बच्चे का देखिए बेसिक बॉडी डिज़ाइन, देखिए एक सिर होना, दो हाथ होना, फॉर एग्जांपल मान लीजिए, और एक पैर होना, फिर यहाँ पे भी एक सिर, दो हाथ और एक पैर, तो बेसिक बॉडी डिज़ाइन तो सेम है। ठीक है, लेकिन साथ साथ इन्होंने कुछ चेंजेस भी इनहेरिट किया है। वो चेंजेस क्या है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, पेरेंट का सिर था ब्लू, यहाँ पर सिर हो गया रेड कलर का, यहाँ पर पैर था ब्लू कलर का, यहाँ पर पैर हो गया है ग्रीन कलर का। इसी सटल मतलब स्मॉल चेंजेस को क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। इतना समझे। अब देखिए, अब क्या होगा जब ये जो नया जनरेशन है ये बच्चा प्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा। तो देखिए, जब इसने जो बच्चा प्रोड्यूस किया तो देखिए उनमें क्या देखने को मिलेगा, द सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन मतलब इसको बोलते हैं पेरेंटल जनरेशन, इसको बोलेंगे फर्स्ट जनरेशन, और इस वाले जनरेशन को बोलेंगे सेकेंड जनरेशन। ठीक है, द सेकेंड जनरेशन विल हैव डिफरेंसेज डैट दे इनहेरिटेड फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन एज वेल एज न्यूली क्रिएटेड डिफरेंसेज। तो सेकेंड जनरेशन में दो चीज़ देखने को मिलेगा, पहला तो वो डिफरेंसेस तो होंगे ही जो फर्स्ट जनरेशन में थे। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे अगर लाल सिर है तो ये लाल सिर का जो फीचर है ये ट्रांसफ़र होता चला जाएगा। ठीक है, एक चीज़ ये इनहेरिट करेंगे, प्लस न्यूली क्रिएटेड डिफरेंसेस भी होगा इनमें। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे ब्लू हाथ था लेकिन यहाँ पे पिंक हाथ हो गया, ये न्यूली क्रिएटेड डिफरेंसेस है। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं एक ऐसा हाथ था, यहाँ पे कैसा हाथ हो गया है। ठीक है, इतना समझे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि डिफाइन वेरिएशन। ठीक है, वेरिएशन होता क्या है, तो इसका डेफिनेशन ये रहा, स्मॉल डिफरेंसेस बिटवीन इंडिविजुअल्स ड्यू टू इनहेरिटेंस इज कॉल्ड वेरिएशन। ठीक है, इंडिविजुअल्स के बीच में जो डिफरेंसेस होता है इसी डिफरेंसेस को बोलते हैं वेरिएशन। ये डेफिनेशन आप कहीं नोट डाउन करके रख लीजिए। दूसरा बात हमें यहाँ पर यह समझना है कि ये जो वेरिएशन से ये क्रिएट क्यों होते हैं। तो आप याद कीजिए, हमने लास्ट चैप्टर में समझा था कि ये है सेल, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम्स, और इसी क्रोमोसोम्स के अंदर होता है डीएनए, और रिप्रोडक्शन के दौरान एक बेसिक इवेंट क्या होता है, इस डीएनए का कॉपी बनाना। तो जब ये डीएनए का कॉपी बनता है ना, तो उसमें केमिकल रिएक्शंस का यूज़ किया जाता है। तो केमिकल रिएक्शंस एब्सोल्युटली रिलायबल नहीं होते हैं, मतलब एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनता है, कॉपी होने के दौरान कुछ डिफरेंसेस पैदा हो जाते हैं। ठीक है, और इसी डिफरेंसेस को क्या बोला जाता है, वेरिएशन बोला जाता है। ये चीज़ हमने पिछले चैप्टर में भी समझा था। तो ऐसे वेरिएशन क्रिएट होता है। तो ये यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है, देयर वुड बी ओनली वेरी माइनर डिफरेंसेज बिटवीन देम जनरेटेड ड्यू टू स्मॉल इनएक्यूरेसी इन डीएनए कॉपिंग। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि वेरिएशन कैसे क्रिएट होता है, तो आपको लिखना होगा ड्यू टू स्मॉल इनएक्यूरेसीज इन डीएनए कॉपिंग। ठीक है, चलिए ये बात हमने समझा। अब एक यहाँ पर बात ये समझना है, तो देखिए यहाँ पर जो इंडिविजुअल्स क्रिएट हुए हैं सब में अपना अपना डिफरेंसेस है। ठीक है, सब में अपना अपना वेरिएशन हुआ है, तो क्या इन चारों ही इंडिविजुअल्स का नेचर में सर्वाइव करने का चांसेस इक्वल होगा, तो इसका जवाब है नहीं। ठीक है, ऑब्वियसली नॉट। ये डिपेंड करेगा कि किस टाइप का वेरिएशन हुआ है, डिफरेंट इंडिविजुअल्स वुड हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांटेजेस, डिफरेंट डिफरेंट चांसेस रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मान लीजिए कोई ऐसा बैक्टीरिया है जो हीट को झेल ही नहीं पा रहा है। ठीक है, उसको ठंडा एनवायरनमेंट चाहिए, और अभी आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है,
तो क्या ये इंडिविजुअल सर्वाइव कर पाएगा नेचर में? नहीं कर पाएगा। वहीं मान लीजिए ये इंडिविजुअल में हीट को बर्दाश्त करने का कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है इस वाले में, ठीक है, तो ये क्या कर लेगा, ये इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर पाएगा, समझ रहे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बैक्टीरिया डैट कैन विथ स्टैंड हीट विल सर्वाइव बेटर इन अ हीट वेव। ये एग्जाम्पल हमने पिछले चैप्टर में भी लिया था अगर आपको याद होगा तो ये बात हमने यहाँ पे समझा। तो इतना ही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, एक दो चीज़ हम यहाँ पे और एक समझते हैं। देखिए अब मान लीजिए ये तो हमें पता है, ये सब सेकेंड जनरेशन वाले बच्चे हैं। अब मान लीजिए ये जब रिप्रोड्यूस करेंगे तो इनका जो बच्चा होगा ना, उनका सिर भी क्या होगा, रेड कलर का होगा, सिर रेड कलर का होगा, ये बॉडी होगा, ये हाथ पिंक तो होना ही है, ये बॉडी इसका भी एक हाथ पिंक होना ही है, हो सकता है इसमें कुछ सब चेंजेस आ जाए, यहाँ पे कुछ और टाइप का हाथ हो और पैर का कलर चेंज हो जाए, ठीक है, ये सब कुछ चेंजेस हो सकता है। लेकिन खैर जो भी हो, इतना तो श्योर है कि इसका जो सिर है वो रेड कलर का होगा, ये भी सिर रेड कलर का होगा, ये भी प्रोड्यूस करेगा तो दो ठो रेड सिर वाला बच्चा प्रोड्यूस करेगा, इतना समझे। अब अगर हम आपसे पूछे कि रेड सिर वाले टोटल पॉपुलेशन कितने हैं, तो आप बोलेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सात पॉपुलेशन, सात लोग ऐसे हैं, सात बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनका रेड सिर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम आपसे पूछे कि पिंक हाथ वाले बैक्टीरिया कितने हैं, तो आप बोलेंगे 1 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, टोटल 3 ही है पिंक हाथ वाले। इसका मतलब किसी भी पॉपुलेशन में, ये पूरा पॉपुलेशन है, किसी भी पॉपुलेशन में अगर कोई कैरेक्टर या फिर फीचर, यहाँ पे लाल सिर क्या है, एक कैरेक्टर या फिर फीचर है, ठीक है, वो फीचर अगर ज़्यादातर पॉपुलेशन में पाया जाता है, इसका मतलब वो फीचर पहले अराइज हुआ होगा, ठीक है, ये बहुत पहले, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में ही अराइज हुआ ये फीचर। और अगर कोई फीचर जैसे कि पिंक हाथ अगर कम पॉपुलेशन में पाया जाता है, ठीक है, मतलब यहाँ पे आप देख रहे थे कि पिंक हाथ सिर्फ 3 ही पॉपुलेशन में पाया जा रहा है, तब वो फीचर जो है वो न्यूली अराइज हुआ होता है। न्यूली अराइज हुआ है मतलब वो फीचर कुछ टाइम पहले ही अराइज हुआ है, ठीक है। चलिए तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ये रहा, इफ़ अ ट्राइट, ट्राइट मतलब आप फिलहाल के लिए कैरेक्टर ही समझ लीजिए, अगर कोई कैरेक्टर है ए जो 10% ऑफ पॉपुलेशन में पाया जाता है, और वहीं दूसरा कैरेक्टर है जिसको बोलते हैं बी, वो 60% ऑफ पॉपुलेशन में पाया जा रहा है, तो कैरेक्टर ए 10% में, कैरेक्टर बी 60% में, तो पूछा गया कि विच ट्राइट इज़ लाइकली टू हैव अराइजन अर्लियर, कौन पहले अराइज हुआ होगा। तो जो जो कैरेक्टर ज़्यादातर पॉपुलेशन में पाया जाता है वो पहले अराइज होता है ना, तो यहाँ पे देखिए आप ट्राइट बी जो है वो 60% में पाया जा रहा है, मतलब यहाँ पे आंसर हो जाएगा ट्राइट बी, समझे बात का गहराई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द क्रिएशन ऑफ वेरिएशन इन अ स्पीसीज प्रमोट सर्वाइवल। वेरिएशन तो क्रिएट हो जाते हैं, तो वेरिएशन क्रिएट होने से क्या फ़ायदा, ये स्पीसीज को सर्वाइव करने में कैसे हेल्प करता है। तो इसका एग्जांपल हमने पिछले चैप्टर में समझा था कि ऐसे बैक्टीरिया जो हीट को बर्दाश्त कर सकेंगे वो बैक्टीरिया आगे सर्वाइव करेंगे, ठीक है, और जो नहीं कर पाएंगे वो वहीं उनका स्पीसीज ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसका वन लाइन में आंसर यही होगा कि वेरिएशन इंक्रीजेस द एडेप्टिबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू इट्स चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशंस, ठीक है, यहाँ पे एडेप्टिबिलिटी की वर्ड है। आप इस चीज़ को यहाँ पे भी समझ सकते हैं इस वाले एग्जांपल में कि बैक्टीरिया जो हीट को स्टैंड कर रहे हैं, मतलब हीट को विदस्टैंड करने का मतलब वो बैक्टीरिया उस इन्वायरमेंट में अडेप्ट हो जा रहे हैं, तो वही उसी टाइप के ऑर्गेनिजम्स नेचर में सर्वाइव कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपका वन लाइन का आंसर होगा। चलिए मूव करते हैं अगले टॉपिक में जो कि है हेरिडिटी। सबसे पहले समझते हैं हेरिडिटी होता क्या है। तो हेरिडिटी का डेफिनेशन ये रहा, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकली बेस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज नोन एज हेरिडिटी। या फिर इसका सिंपल डेफिनेशन एक और ये भी हो सकता है कि द पासिंग डाउन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज टर्म्ड हेरिडिटी। समझे, पेरेंट्स से बच्चों में जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं उसी को बोला जाता है हेरिडिटी, ठीक है। और एक लाइन यहाँ पे और एक ऐड कर लीजिए कि हेरिडिटी इज कंट्रोल्ड बाई जीन्स। अब ये क्या है इसको हम थोड़ी देर में एक्सप्लेन करेंगे, फिलहाल आप इसको नोट डाउन करके रख लीजिए। अब देखिए अब यहाँ पे हमें दो टर्म समझना होगा, कैरेक्टर्स और ट्राइट्स, ये होता क्या है। तो देखिए कैरेक्टर का मतलब होता है एनी हेरिटेबल फीचर इज अ कैरेक्टर, मतलब कोई भी फीचर जो पेरेंट्स से बच्चे में ट्रांसफर हो सकता है उसको हम लोग कैरेक्टर बोलेंगे, और उसी कैरेक्टर का अलग अलग रूप को हम लोग ट्राइट बोलते हैं। ये समझ में नहीं आया, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कलर ऑफ द आई, कलर ऑफ द आई क्या हो सकता है, ब्राउन हो सकता है या फिर ब्लू कलर का आई हो सकता है। तो ये जो कलर ऑफ द आई है ये एक कैरेक्टर है, ठीक है, और इसका दो फॉर्म्स क्या हो गया, ब्राउन हो सकता है नहीं तो ब्लू हो सकता है, तो ये ब्राउन और ब्लू क्या हो गया, ट्राइट हो गया। उसी तरीके से हेयर शेप, हेयर शेप क्या हो सकता है, कर्ली हेयर हो सकता है नहीं तो स्ट्रेट हेयर हो सकता है, तो ये हेयर शेप हो गया एक कैरेक्टर, और इसका दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स जो हो गए कर्ली या फिर स्ट्रेट, ये दोनों कहलाएंगे ट्राइट, समझे इतना। आईब्रो हैवी ब्रूशी हो सकता है या फिर थिन हो सकता है, तो आईब्रो कैरेक्टर हो गया, वैसे हैवी ब्रूशी या फिर थिन हो गया आपका ट्राइट्स, समझे। ऐसे करके हज़ारों हज़ारों कैरेक्टर्स हैं हमारे शरीर में जो हम पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं,
समझे? तो यहाँ पे लिखा हुआ है, चलिए हमने हेरिडिटी का मतलब समझ लिया, इसका डेफिनेशन तैयार कर लिया, इनहेरिटेड ट्राइड्स हमने समझ लिया। आपसे एग्जाम में देखिए यहाँ पे ईयर लोब्स का भी दो ट्राइड दिया गया है, ये ईयर लोब नहीं तो क्या तो अटैच हो सकता है, नहीं तो ऐसे फ्री हो सकता है। ठीक है, तो ईयर लोब हो गया एक कैरेक्टर, और फ्री और अटैच्ड ये हो गया दो ट्राइड, समझे? तो एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा बनेगा, आपसे ऐसे पूछ लेंगे कि नेम टू ह्यूमन ट्राइड्स डेट शो वेरिएशन, दो ह्यूमन ट्राइड का नाम बताइए जिसमें वेरिएशन शो होता है। तो आपको लिखना होगा कलर ऑफ द आई, शेप ऑफ एक्सटर्नल ईयर्स, ठीक है, या फिर ब्लड ग्रुप, हैंड यूज, राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड, ये सब लिख सकते हैं आप। चलिए मूव करते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि है सबसे मेन टॉपिक इस चैप्टर का जान, रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्राइड्स, मेंडल्स कंट्रीब्यूशन। ये जो ट्राइड्स है, आई का कलर हो गया, हेयर शेप हो गया, स्किन कलर हो गया, लिप्स हो गया, ब्लड ग्रुप हो गया, ये सब जो ट्राइड्स है ये कैसे पेरेंट्स से बच्चे में ट्रांसफ़र होते हैं, इन सब के लिए कुछ रूल्स है, ठीक है। और इन रूल्स को डिराइव करने में मेंडल्स का काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। मेंडल कौन है? ये एक साइंटिस्ट है, इनका नाम है ग्रिगोर जोहान मेंडल। इन्होंने ही कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और इन रूल्स को डिराइव किया, ठीक है। चलिए उससे पहले कि हम वो डायरेक्टली रूल्स पे जाएं और डायरेक्टली मेंडल कंट्रीब्यूशन में जाएं, उससे पहले हम लोग कुछ एक बेसिक बात समझते हैं यहाँ पे। बात तो ये है कि बोथ द फादर एंड द मदर कंट्रीब्यूट प्रैक्टिकली इक्वल अमाउंट्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल टू द चाइल्ड। दोनों ही फादर और मदर बराबर अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल कंट्रीब्यूट करते हैं। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है आप ऐसे समझिए, ये है फादर मान लीजिए, ये है मदर। फादर की तरफ से जो गैमेट निकला उसको बोलेंगे स्पर्म, और मदर की तरफ से जो गैमेट निकला उसको बोलेंगे एग सेल या फिर ओवम, ठीक है, ह्यूमंस के केस में। अब नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में जो क्रोमोजोम्स होता है वो 46 क्रोमोजोम्स होता है, ठीक है, नॉर्मल बॉडी सेल में। लेकिन जो गैमेट निकलता है स्पर्म में, स्पर्म वाले सेल में सिर्फ कितना क्रोमोजोम होगा? 23 क्रोमोजोम्स, हाफ ही क्रोमोजोम्स होता है। सिमिलरली वैसे ही मदर के केस में भी यहाँ पे जो एग सेल है इसमें सिर्फ आधे ही क्रोमोजोम्स होंगे। तो मतलब और इसी क्रोमोजोम्स के अंदर डीएनए है, और इसी डीएनए में इन्फॉर्मेशन है कि आपका कैरेक्टर कैसा कैसा होना है, कलर ऑफ आई कैसा होना है, हेयर शेप कैसा होना है, आईब्रो कैसा होना है। तो दोनों ही तरफ से ये इन्फॉर्मेशन आ रहा है, मम्मी की तरफ से कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहा है, हर हर कैरेक्टर के लिए। आई कलर के लिए मम्मी की तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहा है, और उसी आई कलर के लिए पापा की तरफ से भी कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहा है। सिमिलरली आपका स्किन कलर के लिए मम्मी की तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहा है, पापा की तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बोथ द फादर एंड द मदर कंट्रीब्यूट प्रैक्टिकली इक्वल अमाउंट्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल टू द चाइल्ड, ठीक है। तो इसका मतलब ये निकलता है कि ईच ट्राइड कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाई बोथ पैटर्नल एंड मैटरनल डीएनए। हर एक गुण जो है, जैसे कि आई कलर, हेयर शेप, हैंड यूज़, ठीक है, स्किन कलर, हर एक गुण क्या तो फादर से भी इन्फ्लुएंस हो सकते हैं या फिर मदर से भी इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, क्योंकि दोनों ही ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। दस फॉर ईच ट्राइट देयर विल बी टू वर्जन्स इन ईच चाइल्ड। हर एक गुण के लिए किसी भी बच्चे में दो दो वर्जन होते हैं, एक पापा से आया हुआ होता है, एक मम्मी से आया हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कलर ऑफ द आई, कलर ऑफ द आई क्या तो ब्राउन हो सकता है, नहीं तो ब्लू हो सकता है। मान लीजिए पिताजी की तरफ से इन्फॉर्मेशन आया कि आई कलर ब्राउन होना चाहिए, मम्मी की तरफ से इन्फॉर्मेशन आया कि आई कलर ब्लू होना चाहिए, तो उस केस में या तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, तो उस केस में क्या होगा, कौन सा ट्राइड शो होगा, यही यहाँ पे हेल्प करेगा ये रूल्स डिटरमाइन करने में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं मेंडल्स ने कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, क्या क्या किया वो देखते हैं यहाँ पे। तो इससे पहले कि हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट को समझें, हमें कुछ दो तीन बेसिक बेसिक बात पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए उस बेसिक बात को समझते हैं। सबसे पहला बात है पॉलिनेशन के बारे में। पॉलिनेशन क्या होता है बहुत बच्चे को पता ही होगा, एक बार जल्दी से रिकैप करते हैं। पॉलिनेशन दो टाइप का होता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि मान लीजिए ये कोई प्लांट है, मान लीजिए ये कोई प्लांट है और इसमें ये एक फ्लावर हो गया, ये एक फ्लावर हो गया, ये एक फ्लावर हो गया। तो अगर पोलन ग्रेन सेम फ्लावर में ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, या फिर उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर में ट्रांसफ़र हो रहा है, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा टू द फ्लावर ऑफ अ सेम प्लांट, ठीक है, तो ये कहलाएगा सेल्फ पोलिनेशन। लेकिन क्रॉस पोलिनेशन किसको बोलते हैं, ये मान लीजिए एक प्लांट है, यहाँ पे कोई एक फ्लावर है, ये एक फ्लावर, यहाँ पे वैसे ही एक सेम प्लांट, मान लीजिए ये पी प्लांट है, मटर का पौधा है, तो ये एक मटर का पौधा है, यहाँ पे भी ये फ्लावर, ये फ्लावर, ये फ्लावर। तो अगर पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है इस फ्लावर से इस फ्लावर में, तब ये कहलाएगा क्रॉस पोलिनेशन। अगर इसमें से यहाँ पर ट्रांसफर हो गया तो ये सेल्फ पोलिनेशन कहलाएगा, लेकिन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुआ तो वो क्रॉस पोलिनेशन कहलाएगा। समझ रहे बात का गहराई? और अगर सेम फ्लावर में ट्रांसफर होगा, बहुत सारे फ्लावर बाईसेक्सुअल होते हैं, मतलब एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट होता है, तो सेम फ्लावर में भी अगर ट्रांसफर होता है यहाँ से यहाँ पे पोलन ग्रेन, तो वो भी क्या कहलाएगा, सेल्फ पोलिनेशन कहलाएगा, ठीक है। याद रखिएगा क्रॉस पोलिनेशन के लिए दो प्लांट में ट्रांसफर होता है, अलग अलग प्लांट में, ठीक है।
चलिए, तो ये हमने समझा। अब यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग सेल्फ पोलिनेशन को सिंपल में क्या बोलते हैं, क्रॉस पोलिनेशन बहुत बार करवाएंगे तो क्रॉस को हम लोग सिंपली बोल देंगे क्रॉस्ड। ये वर्ड आप समझिएगा, जब भी हमें कहीं क्रॉस्ड लिखा हुआ मिलेगा तो हम समझ जाएंगे कि वो क्रॉस पोलिनेशन को बोला जा रहा है, ठीक है। या फिर कहीं आपको लिखा मिल जाए क्रॉस ब्रेड तो भी आप समझ जाएंगे कि ये क्रॉस पोलिनेशन के बारे में लिखा गया है, ठीक है। या फिर आपको कहीं लिखा मिलेगा सेल्फ्ड, सेल्फ्ड मतलब वहाँ पे क्या मतलब निकल रहा है, सेल्फ पोलिनेशन का लिखा हुआ है, ठीक है। अगर कहीं लिखा हुआ है सेल्फ क्रॉस्ड, कहीं लिखा हुआ है सेल्फ क्रॉस्ड तो इसका मतलब क्या समझेंगे कि मतलब सेम टाइप का प्लांट है, मतलब सेल्फ पोलिनेशन हो रहा है वहाँ पे, सेल्फ क्रॉस्ड का मतलब भी सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है। तो ये सब टर्म आप ध्यान रखिएगा, ये हुआ पहला बात। दूसरे बात पे मूव करते हैं, दूसरा बात हम समझते हैं जीन क्या है। जीन एक बार अभी हल्का सा समझ लेते हैं, बाद में एक बार फिर इसको डिटेल में समझेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। तो ये मान लीजिए एक कोई भी सेल है, तो हमें पता है कि सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम्स, ठीक है। और उस क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, इतना तो पता है हमें। तो मान लीजिए ये एक डीएनए है, डीएनए का डायग्राम कुछ ऐसा ही बनता है, ठीक है। तो इस डीएनए का कुछ पार्ट, स्पेसिफिक पोर्शन, इस हमें पता है कि डीएनए में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन होता है प्रोटीन बनाने का। प्रोटीन मतलब मान लीजिए मसल्स बनाने का, कैसा कैसा शेप का मसल बनेगा, ये डीएनए में ही इन्फॉर्मेशन होता है, ये पूरे डीएनए में। तो इस डीएनए में का स्पेसिफिक पार्ट में जो है ना, डीएनए का स्पेसिफिक पार्ट यहाँ से यहाँ तक, इस स्पेसिफिक पार्ट को क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। ये मतलब किसी एक स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ईयर शेप, ये कान के लिए इन्फॉर्मेशन कैरी कर रहा होगा कि कान का शेप कैसा बनाना है, फ्री बनाना है या फिर अटैच बनाना है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, एक और जीन हो जाएगा। ये कुछ मान लीजिए ये आई के लिए जीन होगा, ये आई कलर डिटरमाइन करेगा। फिर वैसे यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी एक जीन हो जाएगा, ठीक है। तो मेन मतलब यही है कि डीएनए का स्पेसिफिक पार्ट को क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं, इतना समझे। तो चलिए अब आते हैं मेंडल के एक्सपेरिमेंट में। सबसे पहले मेंडल ने क्या किया, एक गार्डन पी ले लिया, गार्डन पी प्लांट, ठीक है, मटर का पौधा ले लिया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि मेंडल ने मटर का ही पौधा क्यों लिया और किसी पौधे से एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं किया। तो देखिए ये पांच रीज़न है जिस वजह से मेंडल ने पी प्लांट को सिलेक्ट किया। सबसे पहला, इट इज़ नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटिंग। जो पी प्लांट होते हैं उसमें सेल्फ पॉलिनेशन ईजिली हो जाता है क्योंकि उनका फ्लावर्स क्या होता है, बाइसेक्सुअल होता है, ठीक है। ये पहला रीज़न था, सेल्फ पॉलिनेटिंग का यूज़ करेंगे एक्सपेरिमेंट में, उसलिए मेंडल ने पी प्लांट को चूज़ किया। दूसरा रीज़न है, इट हैज़ अ शॉर्ट लाइफ स्पैन एज इट इज़ एन एनुअल एंड सो इट वॉज पॉसिबल टू फॉलो सेवरल जनरेशंस। पी प्लांट का जो लाइफ स्पैन होता है वो छोटा होता है, मतलब लाइफ स्पैन मतलब पैदा होने से लेकर मरने तक का समय। तो चूंकि ये लाइफ स्पैन छोटा है, इसका मतलब हम लोग आने वाला दो तीन जनरेशन को इजीली स्टडी कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई ऐसा प्लांट ले लीजिए कि जो 10 साल तक जिंदा रहे, अब हमें इसका नेक्स्ट जनरेशन को देखने के लिए कि उसमें कौन सा गुण है, हमें 10 साल इंतजार करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी बेकार आइडिया होगा, ठीक है। इसलिए मेंडल ने क्या किया, पी प्लांट सेलेक्ट किया क्योंकि इनका लाइफ स्पैन छोटा होता है, ये दूसरा रीज़न। तीसरा रीज़न, इट वॉज ईजी टू क्रॉस पोलिनेट। हम लोग चाहे तो पी प्लांट को क्रॉस पोलिनेट भी करवा सकते हैं, सेल्फ पोलिनेशन तो वो नेचुरली करेगा लेकिन क्रॉस पोलिनेट कैसे करवाएंगे। ये मान लीजिए कोई फ्लावर है, पी प्लांट का फ्लावर है, मटर का पौधा का फ्लावर, ये बाइसेक्सुअल होते हैं, मतलब इसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों है, ठीक है। तो ये तो नेचुरली सेल्फ पोलिनेशन ही करेंगे यहीं पे, लेकिन अगर हम चाहें तो यहाँ से मान लीजिए फीमेल पार्ट को हटा देते हैं तो सिर्फ मेल पार्ट बच जाएगा। और ये मान लीजिए कोई और मटर का पौधा है और उसका ये फ्लावर है, अब इसमें हम क्या करेंगे कि मेल पार्ट को हटा देंगे और फीमेल पार्ट को रहने देंगे, तो उसमें क्या होगा, पोलन ग्रेन ट्रांसफर होगा फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर ऑफ अ डिफरेंट प्लांट, ठीक है। तब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस पोलिनेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग चाहे तो इसको क्रॉस पोलिनेशन भी करवा सकते हैं मटर के पौधे में। तो ये था तीसरा रीज़न। चौथा रीज़न है, इट हैज़ डीपली डिफाइंड कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। मटर के पौधे में हमें कई सारे ऐसे कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं जो स्टडी करने में ईजी होंगे। अभी हम देखेंगे कौन से कैरेक्टर होते हैं मटर के पौधे में, ठीक है। और पांचवा रीज़न है, द फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल, ये तो हमने समझ ही लिया। तो ये पांच रीज़न है जिस वजह से मेंडल ने पी प्लांट को सिलेक्ट किया था। तो देखिए बात करें पी प्लांट में कौन से ऐसे कैरेक्टर है जो मेंडल ने स्टडी करने के लिए यूज़ किया था। तो टोटल यहाँ पे 7 कैरेक्टर्स को डिस्कस किया गया है। सबसे पहला है फ्लावर कलर। तो मटर का जो पौधा है उसमें फ्लावर का कलर क्या तो पर्पल हो सकता है, नहीं तो वाइट हो सकता है। पर्पल को कभी कभी हम लोग किसी बुक में वायलेट बोल के भी जिक्र किया जाता है, ठीक है, तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा। फिर सीड कलर को भी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि पेरेंट में कैसा सीड कलर है, बच्चे में कैसा सीड कलर है। तो सीड कलर क्या तो येलो हो सकता है, नहीं तो ग्रीन हो सकता है।
आप समझ रहे हैं ना, सीड कलर जो हो गया वो कैरेक्टर हो गया, और येलो और ग्रीन दो इसका अल्टरनेटिव फॉर्म्स है, ये सब हो गए ट्राइट। ठीक है, ऊपर में आप देख पा रहे हैं जो हेडिंग में लिखा हुआ है डोमिनेंट वर्सेस रिसेसिव ट्राइट, ये डोमिनेंट और रिसेसिव क्या है थोड़ी देर में समझाते हैं। फिलहाल आप सिर्फ समझिए कि ये सब जो फ्लावर कलर, सीड कलर, सीड शेप, पॉड कलर, ये सब क्या है, कैरेक्टर हो गए मटर पौधे के, और इधर जो लिखा हुआ है ये सब ट्राइट हो गए। ठीक है, और लास्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है, प्लांट हाइट। प्लांट हाइट क्या तो टॉल हो सकता है, नहीं तो शॉर्ट। शॉर्ट को एक और वर्ड में क्या बोलते हैं, डॉर्फ भी बोलते हैं, तो ये बात आप याद रखिएगा। तो ये टोटल सातों का सातों कैरेक्टर आपको नोट डाउन कर लेना है अपने कॉपी में इसी फॉर्मेट में। ठीक है, ऊपर सेम हेडिंग लगाएगा कैरेक्टर, और उस साइड में डोमिनेंट वर्सेस रिसेसिव ट्रैट, सेम टू सेम आपको नोट डाउन कर लेना है। सिर्फ आप डायग्राम मत बनाइएगा, बस लिख लीजिएगा इसको, इतना समझे। चलिए अब हम आगे इस बुक से मूव करते हैं, एनसीईआरटी वाले से। तो मेंडल यूज्ड अ नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर्स ऑफ गार्डन पीस। तो मेंडल ने गार्डन पी लिया और उसे कुछ विजिबल कैरेक्टर, जो कैरेक्टर दिखता हो उसको कॉन्ट्रास्ट किया, मतलब उसको देखा कि बच्चे कैसा होते हैं। ठीक है, ये सब फीचर को कंपेयर किया उन्होंने। तो राउंड एंड रिंकल सीड्स का ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, फिर टॉल शॉर्ट प्लांट के ऊपर व्हाइट वायलेट फ्लावर, वायलेट हम अभी जो चार्ट दिए थे उसमें वायलेट के जगह पे पर्पल लिखा हुआ था। ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये सब फीचर्स उन्होंने, ये सब कैरेक्टर्स उन्होंने कंपेयर किया, अभी देखेंगे कैसे कंपेयर किया। ही टू पी प्लांट विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, उन्होंने दो पी प्लांट लिए अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक का। फॉर एग्जाम्पल, एक उन्होंने एक टॉल पी प्लांट ले लिया और दूसरा उन्होंने शॉर्ट प्लांट ले लिया। शॉर्ट को क्या भी बोलते हैं, डॉर्फ प्लांट। ठीक है, प्रोड्यूस्ड प्रोजेनी फ्रॉम देम, प्रोजेनी मतलब ऑफ स्प्रिंग, मतलब बच्चे प्रोड्यूस करवा दिए इन दोनों प्लांट को पॉलिनेशन करवा के। ठीक है, एंड कैलकुलेटेड द परसेंटेज ऑफ टॉल एंड शॉर्ट प्रोजेनी, और जो बच्चे हुए उन्होंने उसमें देखा कि कितने लंबे बच्चे हैं और कितने छोटे बच्चे हैं। तो देखिए ये रहा इनका डायग्राम, ये एक इन्होंने लिया टॉल पी प्लांट, एक है यहाँ पे शॉर्ट पी प्लांट, दोनों को यहाँ पे देखिए यहाँ पे बीच में क्रॉस का साइन यूज़ किया हुआ है, मतलब क्रॉस पोलिनेशन करवा दिया उन्होंने। ठीक है, और इन दोनों को यूज़ करके बच्चे प्रोड्यूस किए, तो एक दो तीन चार यहाँ पे बच्चे हैं। तो इस जनरेशन को हम लोग बोलते हैं पेरेंटल जनरेशन। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, और इसको हम लोग बोलेंगे प्रोजेनी ऑफ पेरेंटल जनरेशन, क्योंकि ये इनके बच्चे हैं। ठीक है, प्रोजेनी ऑफ पेरेंटल जनरेशन, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, या फिर सिंपली F1 बोल सकते हैं, तो तीन चार नाम इसको बोलते हैं। तो इन द फर्स्ट प्लेस देयर वर नो हाफ वे कैरेक्टरिस्टिक्स इन दिस फर्स्ट जनरेशन या फिर F1 प्रोजेनी, यहाँ पे भी लिखा हुआ है फर्स्ट जनरेशन को इसको फर्स्ट जनरेशन बोलते हैं या फिर F1 प्रोजेनी बोलते हैं या फिर सिंपली F1 बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए चूंकि यहाँ पे हमने टॉल प्लांट और शॉर्ट प्लांट को यूज़ किया था, तो कोई भी इन दोनों का मिक्सचर, मतलब मीडियम प्लांट, मीडियम हाइट वाला प्लांट कोई भी हमें देखने को नहीं मिला, नो मीडियम हाइट प्लांट देखने को मिला। ठीक है, ऑल प्लांट्स वर टॉल, जितने भी बच्चे हुए वो सभी लंबे के लंबे हुए। तो इसका मतलब क्या निकल रहा है, दिस मीन दैट ओनली वन ऑफ द पेरेंटल ट्राइड्स वॉज सीन, नॉट सम मिक्सचर ऑफ द टू। तो इसका मतलब ये है कि जो पेरेंट में गुण है, तो दोनों पेरेंट में से किसी एक पेरेंट का गुण ही इसमें देखना है, दोनों का मिक्सचर हमें नहीं दिखेगा यहाँ पे। ये पहला कंक्लूजन उन्होंने निकाला। ठीक है, आप सिर्फ समझते चलिए, कुछ अंडरलाइन नहीं करना है, हम अभी बताएंगे कैसे अंडरलाइन करना है, क्या क्या चीज़ याद करना है। ठीक है, सिर्फ समझिए अभी। तो फिलहाल पेरेंटल जनरेशन से जब फर्स्ट जनरेशन में बच्चे प्रोड्यूस किए गए, तो कोई मिक्सचर प्रोड्यूस नहीं हुआ, दोनों में से किसी एक पेरेंट का गुण इन सभी बच्चे ने ले लिया। ठीक है, इतना समझे, चलिए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, वर द टॉल प्लांट्स इन द F1 जनरेशन एग्जैक्टली द सेम एज द टॉल प्लांट ऑफ द पेरेंट जनरेशन। अब अगला सवाल ये उठता है कि जो F1 जनरेशन में जो टॉल प्लांट थे वो क्या पेरेंट जनरेशन वाले टॉल प्लांट से एकदम सेम थे, मतलब ये दोनों जो टॉल प्लांट है क्या ये दोनों एग्जैक्टली सेम है। तो इसको पता करने के लिए मेंडल ने क्या किया, मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट टेस्ट दिस बाय गेटिंग बोथ द पेरेंटल प्लांट एंड दिस F1 प्लांट टू रिप्रोड्यूस बाय सेल्फ पोलिनेशन। उन्होंने क्या किया, इसको सेल्फ पोलिनेशन करवा दिया अलग से, इसको भी सेल्फ पोलिनेशन करवा दिया अलग से। तो जब ये वाले प्लांट का जब सेल्फ पोलिनेशन कराया ना, तो जो बच्चे हुए वो सभी के सभी लंबे हो गए। तो ये देखिए, द प्रोजेनी मतलब बच्चे ऑफ द पेरेंटल पेरेंटल प्लांट्स आर ऑफकोर्स ऑल टॉल। जब इसको सिर्फ लंबा प्लांट, मतलब ऐसा ही यही प्लांट को जब सेल्फ पोलिनेशन करवा दिया, अभी ये नहीं है, ठीक है, सिर्फ इसी प्लांट को जब सेल्फ पोलिनेशन कराया, तो जो भी बच्चे निकले सब लंबे निकले, वो तो होना ही था। ठीक है, क्योंकि ये प्योर वैरायटी है, प्योर वैरायटी है मतलब बाद में समझाएंगे अभी। ठीक है, आगे देखिए द, और क्या लिखा हुआ, हाउएवर द सेकेंड जनरेशन मतलब F2 प्रोजेनी ऑफ द F1 टॉल प्लांट आर नॉट ऑल टॉल। लेकिन जब इसको जब सेल्फ पोलिनेशन कराया मेंडल ने इस वाले प्लांट को, ये देखिए यहाँ पे F1 का ही दो प्लांट इन्होंने ले लिया दिखाने के लिए, यहाँ पे क्रॉस करवा दिया। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे जो बच्चे प्रोड्यूस हुए सभी बच्चे लंबे प्रोड्यूस नहीं हुए,
एक दो तीन चार, चार में से एक, मतलब एक चौथाई प्लांट जो था, वन क्वार्टर जो प्लांट था वो क्या था, शॉर्ट था, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये रहा, इंडीड इंस्टेड वन क्वार्टर ऑफ देम आर शॉर्ट, ठीक है। और ये जो बच्चे प्रोड्यूस हुए हैं ना, ये किसके बच्चे हैं, एफ वन के बच्चे हैं, ठीक है, एफ वन से आया है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकंड जनरेशन। इसको फर्स्ट जनरेशन बोल रहे थे, इसको सेकंड जनरेशन बोलेंगे, या फिर एफ टू बोल देंगे, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, प्रोजेनी ऑफ एफ वन। समझ रहे हैं ना बात कह रही। चलिए, तो इतना हमने समझा, फिर आगे देखिए। तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि दो बोथ द टॉनलेस एंड शॉर्टनेस ट्राइट वॉज इनहेरिटेड इन द एफ वन प्लांट, बट ओनली द टॉनलेस ट्राइट वॉज एक्सप्रेस्ड। इसका मतलब, चूंकि जब एफ वन को जब क्रॉस कराया गया तब हमें क्या मिला, एक तो शॉर्टनेस दिख गया, मतलब ये टॉल प्लांट में कहीं ना कहीं शॉर्टनेस वाला ट्राइट भी होगा, तभी तो शॉर्ट वाला निकला है यहाँ पे, समझ रहे ना। तो वो यहाँ पे लिखा है, दोनों ही इनहेरिट हुआ था यहाँ पे। ये जो ऐसा नहीं था कि ये यहाँ पे जो ये प्लांट लोग शॉर्ट नहीं हुए थे, इस प्लांट का बच्चल थे, ऐसा नहीं था कि इनका गुण इसमें गया नहीं है, इनका गुण इसमें था लेकिन दिखा नहीं था, इनका ही गुण सिर्फ इसमें दिखा था, लेकिन इनका गुण जो था वो बाद में आके दिखा हम लोग को। तो दस टू कॉपीज ऑफ द ट्राइट आर इनहेरिटेड इन ईच सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। तो इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि ये लोग सेक्सुअली रिप्रोड्यूस किए हैं यहाँ पे, ठीक है, पॉलिनेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो किसी भी इंडिविजुअल में दोनों ही पेरेंट का तरफ से दो कॉपी आता है एक गुण के लिए। यहाँ पे कैरेक्टर क्या है, प्लांट हाइट, तो उस प्लांट हाइट के लिए दोनों ही पेरेंट का तरफ से दोनों जीन आया हुआ है, ठीक है। तो दस टू कॉपीज ऑफ द ट्राइट्स आर इनहेरिटेड इन ईच सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, दीज टू मे बी आइडेंटिकल और मे बी डिफरेंट। तो इसका मतलब हर एक ट्राइट के लिए, अब देखिए मेरे पास पुराना बुक है तो यहाँ पे लैंग्वेज कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, आप अगर नई बुक में देखेंगे तो आपको लैंग्वेज कुछ इस मिलेगा, ऐसा मिलेगा, जो ब्लू से अंडरलाइन किया हुआ है उसको देखिएगा, ठीक है। दिस लेड मेंडल टू प्रपोज डैट टू कॉपीज ऑफ फैक्टर, जिसको अभी हम जीन्स बोलते हैं, कंट्रोलिंग ट्राइट्स आर प्रेजेंट इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। मतलब किसी भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में किसी भी ट्राइट के लिए दो फैक्टर या फिर दो जीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अब वापस आते हैं इस टेक्स्ट पे, देखिए। तो ये देखिए यहाँ पर कैरेक्टर क्या है, प्लांट हाइट, तो उस प्लांट हाइट के लिए इस वाले पौधे में दो टाइप का जीन प्रेजेंट है और उसमें से कोई एक ही एक्सप्रेस होता है, ठीक है। और ये बात याद रखिएगा कि मेंडल ने जीन के लिए एक वर्ड यूज़ किया था जिसको बोलते हैं फैक्टर। ये क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, आपसे पूछ लेंगे कि मेंडल ने जीन के लिए कौन सा टर्म यूज़ किया था, आपको लिखना होगा फैक्टर, ठीक है। चलिए, अब आगे क्या लिखा हुआ है, दीज टू मे बी आइडेंटिकल और मे बी डिफरेंट। तो ये दोनों फैक्टर या फिर ये दोनों जो जीन है ना, दोनों जीन सेम हो सकते हैं नहीं तो डिफरेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस प्लांट में हमने पहले से ही दोनों जीन जो था इस कैरेक्टर के लिए, प्लांट हाइट के लिए, दोनों सेम लिया गया था। यहाँ पे प्लांट हाइट के लिए दोनों जीन सेम लिया गया था, यहाँ पे प्लांट हाइट के लिए दोनों जो जीन है वो अलग अलग है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दीज टू मे बी आइडेंटिकल और मे बी डिफरेंट। तो अगर दोनों जीन सेम होते हैं तो वो उस प्लांट को बोलते हैं होमोजाइगस, ठीक है, और दोनों जीन अगर डिफरेंट है तो ये कहलाएगा हेटरोजाइगस। ये यहाँ पे दोनों सेम है तो ये भी होमोजाइगस, समझे इतना। चलिए, तो ये बात यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे मेरे को पता है आपको बहुत सारा डाउट आया होगा कि ऐसा कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है, थोड़ी देर में अभी सब क्लियर करेंगे, फिलहाल यहाँ पे थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो इन ऊपर वाले एक्सप्लेनेशन में हमें क्या समझ में आया कि बोथ टी टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों क्या है, टॉल प्लांट है। अगर दोनों कैपिटल टी होते हैं तो भी टॉल होते हैं, हेटरोजाइगस कैपिटल टी स्मॉल टी होते हैं तो भी ये टॉल होते हैं, मतलब हम बोल सकते हैं। और एक बात और है कि व्हाइल ओनली स्मॉल टी इज शॉर्ट प्लांट, शॉर्ट प्लांट होने के लिए छोटा टी होना पड़ेगा, यहाँ पे भी शॉर्ट के लिए छोटा टी है। तो दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि अ सिंगल कॉपी ऑफ कैपिटल टी इज इनफ टू मेक द प्लांट टॉल। किसी में भी अगर एक ठो कैपिटल टी आ गया, दो ठो आया तो टॉल होगा ही, एक ठो कैपिटल टी भी अगर आया तो भी वो प्लांट टॉल हो जाएगा। तो इन अदर वर्ड्स, अ सिंगल कॉपी ऑफ टी इज इनफ टू मेक द प्लांट टॉल, ठीक है, व्हाइल बोथ कॉपीज हैव टू बी स्मॉल टी फॉर द प्लांट टू बी शॉर्ट। अगर प्लांट को शॉर्ट होना है तो दोनों को स्मॉल टी होना पड़ेगा, लेकिन टॉल होना है तो सिर्फ कैपिटल टी होने से काम चल जाएगा। तो ट्राइट्स लाइक कैपिटल टी आर कॉल्ड डोमिनेंट ट्राइट्स, तो ऐसे ट्राइट जो कैपिटल टी की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं डोमिनेंट ट्राइट। और ऐसे ट्राइट जो स्मॉल टी की तरह बिहेव करते हैं उनको बोलते हैं रिसेसिव ट्राइट, ठीक है। मतलब डोमिनेंट ट्राइट वो ट्राइट होता है जो अगर वो अकेला भी प्रेजेंट हुआ तो वो शो कर देगा वो फीचर को, और रिसेसिव ट्राइट वो ट्राइट होता है जो डोमिनेंट अगर नहीं हुआ तब रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। थोड़ा और डिटेल में समझते हैं इस पूरे चीज़ को। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो क्रॉस पोलिनेशन कराया गया था यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेंडल ने क्या किया, पेरेंट जनरेशन,
पैरेंट जनरेशन में दो प्लांट लिया, एक तो था प्योर टॉल और उसको क्रॉस करवा दिया प्योर शॉर्ट वाले से, ठीक है। अब देखिए यहाँ से निकलेगा गैमेट, गैमेट पता है आपको। देखिए अब यहाँ पे और एक दो तीन बेसिक बेसिक बात आपको समझना चाहिए। पहले ह्यूमन बींग्स का एग्जाम्पल लेते हैं, ये मान लीजिए कोई है मेल और ये मान लीजिए कोई है फीमेल। तो आपको पता है कि मेल की तरफ से जो गैमेट निकलता है उसको बोलते हैं स्पर्म, और फीमेल की तरफ से जो गैमेट निकलता है उसको बोलते हैं एग सेल या फिर ओवम, ठीक है। और इसमें खास बात क्या होता है कि अगर ह्यूमन बॉडी में के नॉर्मल सेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, 46, तो इसमें सिर्फ आधे ही क्रोमोसोम्स होंगे, 23 क्रोमोसोम्स स्पर्म में, ठीक है, और इस ओवम में भी आधे ही क्रोमोसोम्स होंगे, 23, समझ रहे हैं। तो जो भी यहाँ पे नॉर्मल होता है उसका आधा निकलता है, क्रोमोसोम्स बोले या फिर डीएनए बोले या फिर जीन बोले, जेनेटिक मटेरियल है ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो क्या था जीन है ये टॉनलेस के लिए, तो इसमें से सिर्फ आधा ही गैमेट निकलेगा, तो एक ठो कोई कैपिटल टी निकल जाएगा, दोनों में से कोई एक निकल जाएगा, ठीक है। ये निकला प्लांट के केस में, क्या में निकलता है, ह्यूमन के केस में तो स्पर्म निकलता है, लेकिन प्लांट के केस में क्या निकलेगा आपका, मेल के केस में पॉलन ग्रेन निकलेगा और उधर उस केस में क्या होगा, एक ओवम ही होगा, ठीक है, एक सेल या फिर ओवम। अब देखिए यहाँ पे निकल गया एक ठो गैमेट, ये हो गया मेल गैमेट, और यहाँ से भी एक ठो निकलेगा फीमेल गैमेट, तो दोनों स्मॉल टी है, कोई एक स्मॉल टी निकल जाएगा, ठीक है। गैमेट निकालने का बाद यहाँ पे आप लिख देंगे गैमेट्स, गैमेट्स मिलने का बाद आप क्या कह देंगे, एक पनेट स्क्वायर बनाएंगे। पनेट स्क्वायर क्या होता है, PUNNET, पनेट स्क्वायर। पनेट स्क्वायर में क्या होता है कि हम लोग ऐसे करके रोज और कॉलम्स बनाते हैं, ठीक है, ये रोज और कॉलम्स बनाएंगे और इस साइड में गैमेट्स, इस साइड में गैमेट्स लिखेंगे। फॉर एग्जांपल ये गैमेट को हम कैपिटल टी को यहाँ लिख देते हैं और इस स्मॉल टी को हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, और ये ब्लैंक रहता है, इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। फिर दोनों का कॉम्बिनेशन बना के यहाँ पे जो बनेगा वो लिखेंगे, तो दोनों को मिला के क्या बन रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका मतलब दोनों को मिला के जो बच्चा प्रोड्यूस होगा ना वो इस वाले फीचर का बच्चा प्रोड्यूस होगा। तो F1 जनरेशन में हमें क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा, ठीक है, और ये प्लांट होगा टॉल। यहाँ पर भी ये जो प्लांट था ये क्या था, टॉल था, और ये क्या था, शॉर्ट था, शॉर्ट का जगह पर डॉर्फ भी लिख सकते थे। अब देखिए F1 जनरेशन हो गया, अब मेरे को चाहिए F2, तो F2 में पहुँचने के लिए मेरे को दो F1 प्लांट को क्रॉस पोलिनेट कराना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक और प्लांट ले लेते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, सेम टाइप का ही लेना होगा क्योंकि F1 में सिर्फ इसी टाइप के बच्चे प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो दूसरा बच्चा भी इसी टाइप का होगा। अब यहाँ से गैमेट्स निकालिए, फिर से गैमेट्स निकालेंगे तो गैमेट्स क्या तो कैपिटल टी निकल सकता है, नहीं तो स्मॉल टी निकल सकता है। यहाँ पे गैमेट्स समझ रहे ना, गैमेट्स में क्या तो कैपिटल टी निकल सकता है या फिर स्मॉल टी निकल सकता है। यहाँ पे गैमेट्स में दोनों ही सेम था तो एक ही निकाले थे, दोनों ही सेम था तो एक ही निकाले थे, यहाँ पे दोनों डिफरेंट था तो दोनों ही अलग अलग निकल सकता है। तो फिर से हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक पनेट स्क्वायर बनाएंगे, ये है गैमेट्स, एक पनेट स्क्वायर बनाते हैं यहाँ पे। अब चूंकि यहाँ पे दो ठो गैमेट निकल रहा है दोनों तरफ से, तो मेरे को ऐसे ऐसे करके दो लाइन खींचना होगा और हॉरिजेंटल लाइन दो ठो, एक ठो हो गया और एक ठो यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन खींच देंगे, ठीक है। अब इस कैपिटल टी स्मॉल टी को यहाँ पे डाल दीजिए पनेट स्क्वायर में और इस कैपिटल टी स्मॉल टी को यहाँ पे डाल दीजिए। अब तो कॉम्बिनेशन बताइए, फिर कैपिटल टी का यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन गया, कैपिटल टी स्मॉल टी को यहाँ पे लिखेंगे, ऑलवेज कैपिटल को पहले लिखते हैं, आप कोई छोटा टी पहले लिख दिया कैपिटल टी बाद में लिखा वैसे नहीं लिखेंगे, यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसे लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे स्मॉल टी ऐसे हो जाएगा। तो ये सेकेंड जनरेशन का बच्चा मिल रहा है, सेकेंड जनरेशन में क्या क्या मिल रहा है, क्या तो कैपिटल टी या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी या फिर स्मॉल टी स्मॉल टी, ये होंगे टॉल, ये होंगे टॉल, ये भी टॉल, और हमें पता है ये क्या होगा, शॉर्ट होगा। इतना समझे, ये पूरा लिखा कैसे जाता है ये समझे। चलिए अब हमें दो टर्म समझना होगा, एक होता है जेनोटाइप और एक होता है फेनोटाइप। फेनोटाइप मतलब अगर आप आँख से देखें तब वो वाला फीचर, ठीक है। अगर हम देखेंगे इस चारों प्लांट को तो हमें ये भी लंबा दिखेगा, लंबा दिखेगा, लंबा दिखेगा, तो तीन लंबा दिख रहा है और एक छोटा दिख रहा है, तो फेनोटाइप का रेशियो क्या हो जाएगा, टॉल इज टू शॉर्ट 3:1, ठीक है। फेनोटाइप मतलब विजिबल कैरेक्टर के बेसिस पे रेशियो, और जेनोटाइप मतलब जीन के बेसिस पे रेशियो। ये है प्योर टॉल होमोजाइगस, तो इस टाइप का और भी कोई है क्या, कैपिटल टी नहीं है,
तो ये हो गया वन इज टू, इस टाइप का जो जीन कॉम्बिनेशन है वो क्या और भी है, हाँ ये भी है, तो दो ठो हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, तो वन इज टू टू इज टू, और एक छोटा छोटा टी वाला और कोई है नहीं है, तो ये हो गया वन। इस रेशियो को बोलते हैं जेनोटाइप रेशियो, इस रेशियो को बोलते हैं फेनोटाइप रेशियो। अगर डेफिनेशन का बात करें तो ये रहा इसका डेफिनेशन। जेनोटाइप का डेफिनेशन हो जाएगा द कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स इन एन ऑर्गेनिज्म, जीन का कैसा कॉम्बिनेशन है इसको बोलते हैं जेनोटाइप, ठीक है। और फेनोटाइप का डेफिनेशन हो जाएगा द एक्सप्रेस कैरेक्टर विच इज जेनेटिकली कंट्रोल्ड, जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है उस बेसिस पे रेशियो लिखने वाला रेशियो जो लिखा जाएगा वो कहलाएगा फेनोटाइप रेशियो, ठीक है, इतना समझे। चलिए और देखिए यहाँ पे दो तीन बात और आपको पता होना चाहिए, इसमें इतना सारा बात है ना जो मेरे को अलग अलग करके बताना पड़ रहा है जैसे जैसे आ रहा है। अब आप सोच रहे हैं यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी क्यों है। अब देखिए ये जो प्लांट हाइट है ना, प्लांट हाइट ये क्या है, एक कैरेक्टर है, इतना तो पता है। प्लांट हाइट क्या तो टॉल हो सकता है नहीं तो शॉर्ट हो सकता है, ठीक है। अब टॉलनेस के लिए हम लोग अगर कैपिटल टी यूज़ कर रहे हैं ना तो शॉर्टनेस के लिए स्मॉल टी यूज़ करना होगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि क्यों ना शॉर्टनेस के लिए कैपिटल टी और टॉलनेस के लिए स्मॉल टी यूज़ कर ले, तो ऐसा हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये बात पहले से पता होना चाहिए कि कौन सा डोमिनेंट है और कौन सा रेसेसिव है। हमें अभी एक्सपेरिमेंट से पता चला है कि ये जो टॉलनेस है ये डोमिनेंट है फिलहाल के लिए, ठीक है, ये डोमिनेंट है और ये रेसेसिव है। तो डोमिनेंट वाले को हम लोग हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और रेसेसिव वाले को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर मान लीजिए हमें अगर सीड का शेप डिनोट करना है तो सीड शेप जो हो जाएगा ये कैरेक्टर एक, तो ये दो टाइप का इसका ट्राइट हो सकता है, क्या तो राउंड हो सकता है नहीं तो रिंकल्ड हो सकता है। अब मेरे को ये पहले से पता है कि जो राउंड वाला होता है ये डोमिनेंट होता है और रिंकल्ड रिसेसिव होता है, तो अगर हम राउंड वाले को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं तो मेरे को रिंकल्ड वाले को स्मॉल आर से डिनोट करना होगा, समझ रहे बात का गहराई। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो इसीलिए जो हम आपको चार्ट बोले थे ये वाला चार्ट, इसमें जो ऊपर लिखा हुआ था डोमिनेंट और रिसेसिव अब आपको समझ में आ गया होगा। तो जो फ्लावर कलर है पर्पल या फिर वाइट, तो ये जो पर्पल होगा ना या फिर वायलेट ये है डोमिनेंट कैरेक्टर ट्राइट, ठीक है, और जो व्हाइट है ये है रेसिसिव ट्राइट। सिमिलरली सीड कलर जो येलो होता है वो क्या होता है, डोमिनेंट होता है, और ग्रीन रेसिसिव होता है। सीड शेप राउंड जो है वो डोमिनेंट होता है और रिंकल रेसिसिव होता है। तो ये पूरा चार्ट आपको पता होना चाहिए कि कौन सा रेसिसिव है और कौन सा डोमिनेंट है, समझा इतना, ये अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब सबसे मेन बात पे आते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा। तो एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं आपके लिए, आपको अभी बहुत अच्छा लगेगा ये क्वेश्चन सॉल्व करके। ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा हुआ है अ ब्लू कलर फ्लावर प्लांट डिनोटेड बाय कैपिटल बी इज क्रॉस ब्रेड विद दैट ऑफ वाइट कलर फ्लावर प्लांट डिनोटेड बाय स्मॉल बी। तो दो प्लांट है, तो हमें यहाँ पे पेरेंट जनरेशन देखने को मिल रहा है। पेरेंट जनरेशन में क्या है, दो प्लांट है, एक तो है ब्लू प्लांट जिसको कैपिटल बी से डिनोट किया गया है, ये है ब्लू, और दूसरा प्लांट है स्मॉल बी वाला जो कि है वाइट कलर का, इतना समझे आप, ठीक है। हमें अगर इतना ही मिल गया तो हम तो पूरा बहुत चीज़ लिख सकते हैं इसके बारे में, लेकिन क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नंबर ए स्टेट द कलर ऑफ फ्लावर यू वुड एक्सपेक्ट इन F1 जनरेशन प्लांट। तो F1 जनरेशन प्लांट में कौन सा कलर का प्लांट दिखेगा हमें, तो चलिए F1 जनरेशन का बच्चा निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ से निकलेगा गैमेट्स, तो दोनों सेम है तो कोई एक बी निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी दोनों सेम है तो कोई एक स्मॉल बी निकल जाएगा, अलग अलग होता तो दो निकल रहा होता। गैमेट्स मिलते ही हम क्या करा लेंगे, पनेट स्क्वायर बनाएंगे, ये हो गया गैमेट्स। गैमेट्स मिलते ही हम पनेट स्क्वायर बनाएंगे, चूंकि यहाँ पे एक ही गैमेट है तो हम एक सीधा लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, इस वाले बी को यहाँ लिख देंगे, इस वाले बी को यहाँ लिख देंगे, दोनों को मिला के कॉम्बिनेशन यहाँ पे ये बच्चा मिल गया। तो F1 जनरेशन जो होगा उसमें हमें किस टाइप के बच्चे मिलेंगे, बी और बी, ये कौन से, देखिए तो हमें यहाँ पे समझ में आ रहा था कि कैपिटल बी मतलब ब्लू था, ये मतलब कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है तो मतलब यही डोमिनेंट है, तो यहाँ पे इसका कलर क्या हो जाएगा, चूंकि एक कैपिटल बी है यहाँ पे तो इसका कलर भी हो जाएगा ब्लू। बात वगैरह ही समझ रहे हैं, कैपिटल बी से हमें पता चला कि ये जो ब्लू कलर है ये डोमिनेंट ट्राइट है, तो और डोमिनेंट ट्राइट के हमें बात ये पता है कि ये अगर एक भी हुआ तो अपना फीचर शो कर देगा, तो यहाँ पे एक डोमिनेंट है मतलब इसका कलर ब्लू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डोमिनेंट ब्लू है। तो ये हुआ वन का आंसर, ए का आंसर हो जाएगा ब्लू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी पे आते हैं, व्हाट मस्ट बी द परसेंटेज ऑफ व्हाइट फ्लावर प्लांट इन F2 जनरेशन इफ फ्लावर्स ऑफ F1 आर सेल्फ पॉलिनेटेड। अब F1 वाले प्लांट को सेल्फ पॉलिनेट कराया गया है, तो इसी टाइप का एक और प्लांट ले लेते हैं बीबी, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे यहाँ पे, तो यहाँ से जो गैमेट्स निकलेगा वो क्या क्या निकल सकता है, क्या तो कैपिटल बी नहीं तो स्मॉल बी निकल सकता है, यहाँ पे गैमेट्स जो निकलेगा वो क्या तो
कैपिटल भी नहीं तो स्मॉल भी निकल सकता है, ये है हमारा गैमेट्स। जैसे ही हमें गैमेट्स मिला हम क्या बना लेंगे, पनेट स्क्वायर बनाएंगे। चूंकि दो गैमेट्स हैं यहाँ पे तो दो वर्टिकल लाइन और दो हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। इस कैपिटल बी स्मॉल बी को यहाँ लिखते हैं और इस वाले को यहाँ लिखते हैं, ठीक है। अब ये आपका मर्जी था, इसको चाहते तो यहाँ, इसको यहाँ भी लिख सकते थे, बातें किए। अब बनाइए कॉम्बिनेशन, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, और यहाँ पे स्मॉल बी, ठीक है। तो एफ टू जनरेशन में हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है, कैपिटल बी कॉमा कैपिटल बी स्मॉल बी कॉमा कैपिटल बी स्मॉल बी और स्मॉल बी। तो ये सब हो गए एफ टू के प्लांट, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया था, देखिए क्वेश्चन में पूछा था कि व्हाट मस्ट बी द परसेंटेज ऑफ व्हाइट फ्लावर, व्हाइट फ्लावर का परसेंटेज पूछा है। तो हमें पता है ये है ब्लू, ये है ब्लू, ये है ब्लू और ये है व्हाइट, ठीक है, क्योंकि ये स्मॉल बी व्हाइट था, ठीक है। तो ये तो हो गया ब्लू 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 और ये व्हाइट, लिख नहीं रहे, ठीक है। तो देखिए इसका परसेंटेज निकालना है, तो चार परसेंटेज कैसे निकालते हैं, इसका परसेंटेज निकालना है तो इसका वैल्यू कितना है, टोटल है चार, चार में से एक वाइट है, तो 1/4 × 100, ठीक है, वन है और टोटल है फोर और इंटू हंड्रेड करेंगे तो परसेंटेज में कन्वर्ट होगा, तो ये आएगा 25%, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी ये आपको कैलकुलेशन नहीं दिखाना है, एग्जाम में सिर्फ 25% लिख देंगे डायरेक्टली तो हो जाएगा। ऐसे भी आपको समझ में आ रहा है कि ये पूरा 100% है, 100% में से एक चौथाई मतलब 25% इतना है। अगर आपसे कोई पूछे कि ब्लू वाले का परसेंटेज बताओ, तो ब्लू वाले कितना है, 1, 2, 3, तो 3 out of total कितना है 4, और परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 करेंगे सॉल्व करेंगे तो 75% आ जाएगा, ठीक है। तो परसेंटेज के ऊपर क्वेश्चन आता है। कोई यहाँ पर जीनोटाइप रेशियो पूछे, फेनोटाइप रेशियो बोले, तो जीनोटाइप रेशियो जीन के बेसिस पे रेशियो जाएगा, तो 1:2 ये सेम है तो 2:1 जीनोटाइप रेशियो। फेनोटाइप रेशियो कोई पूछे तो तीनों ब्लू है तो 1:3 और 1 वाइट है तो 1, ये हो गया फेनोटाइप रेशियो, ठीक। तो फिलहाल यहाँ पर सिर्फ हमें ये पूछा था 25% इज कैंसिल होगा बी का। क्वेश्चन नंबर सी देखिए, स्टेट द एक्सपेक्टेड रेशियो ऑफ द जेनोटाइप्स बी बी एंड कैपिटल बी स्मॉल बी इन द एफ टू प्रोजेनी। तो हमें बी बी इस टू ये वाले बी बी का रेशियो बताना है। तो ये बी बी कितना है यहाँ पे, एक ही ठो है, और ये बी बी कितना है यहाँ पे, दो ठो है, तो ये हो गया रेशियो इसका, ठीक है। तो सी का आंसर ये हो गया। तो इस टाइप का ही क्वेश्चन मैक्सिमम आता है, ठीक है, इस चैप्टर से ये मेन क्वेश्चन बनता है। तो ये क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो काम बनेगा आपका। अच्छा एक बात यहाँ पे और है, अगर आपसे कोई पूछे मान लीजिए F1 में ही कोई पूछे कि यहाँ पे बताओ जीनोटाइप क्या है, तो जीनोटाइप यहाँ पे दोनों ही बी 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 बी, तो रेशियो में कैसे लिखेंगे, रेशियो में लिखना तो मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे जीनोटाइप के लिए क्या कर देंगे, जीनोटाइप के लिए लिखेंगे कि ऑल आर बी बी, ठीक है, ये जीनोटाइप है। और अगर कोई आपसे फेनोटाइप पूछे तो फेनोटाइप के लिए क्या लिखेंगे, ऑल आर फीचर क्या है, ब्लू, तो ऑल आर ब्लू ऐसे लिख देंगे वर्ड में, ठीक है, ये हो गया जीनोटाइप फेनोटाइप। और इस केस में हमें ऐसे ही रेशियो के रूप में लिखना होगा, तो ये एक बात है। एक और क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि स्टेट द टाइप ऑफ प्लांट नॉट फाउंड इन F1 जनरेशन बट अपीयर्ड इन F2 जनरेशन, मतलब कि ऐसा प्लांट बताओ जो F1 में नहीं था लेकिन F2 में देखने को मिला। तो यहाँ पे ब्लू ब्लू था, ब्लू ब्लू ब्लू, यहाँ पे एक वाइट देखने को मिल गया, तो इसका आंसर हो जाएगा वाइट, वाइट है जो F1 में नहीं दिखा था लेकिन F2 में दिखा था, तो इसका आंसर हो जाएगा वाइट फ्लावर प्लांट। फिर पूछेंगे कि गिव रीजन फॉर द सेम, क्यों ये यहाँ पे नहीं दिखा और यहाँ पे दिखा, तो इसका रीजन ये होगा कि जो डॉर्फ जो वाइट कलर है ये क्या है, एक रिसेसिव ट्राइट है जो F1 में एक्सप्रेस नहीं होता है, ठीक है, ये F2 में एक्सप्रेस होता है आफ्टर सेल पोलिनेशन, ठीक है। लैंग्वेज में ऐसे लिखेंगे, वाइट ट्राइट इज अ रिसेसिव ट्राइट विच वॉज नॉट एक्सप्रेस्ड इन द F1 जनरेशन, द रिसेसिव ट्राइट गेट एक्सप्रेस्ड इन द F2 जनरेशन आफ्टर सेल पोलिनेशन, ये इतना बात लिख देना है आपको, ठीक है। एक बात और यहाँ पे ये देखिए, ये जो कैपिटल बी है हमें पता है इसको हम क्या बोलते हैं, होमोजाइगस बोलते हैं, इसको भी होमोजाइगस बोलेंगे, इसको हेट्रोजाइगस बोलेंगे, है ना। अब देखिए ये कैपिटल बी को एक और टर्म से जानते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं प्योर डोमिनेंट वेराइटी, इसको बोल सकते हैं प्योर रेसिसिव वेराइटी, क्योंकि ये रेसिसिव है और प्योर है मतलब दोनों सेम टाइप का यहाँ पे जीन प्रेजेंट है, इसको हम लोग इम्प्योर वेराइटी बोलेंगे सिर्फ, ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए। और साथ साथ देखिए जो डोमिनेंट होता है, जब हम प्योर को क्रॉस करवाते हैं, प्योर डोमिनेंट और प्योर रिसेसिव को क्रॉस कराते हैं, तो फर्स्ट जनरेशन में हमें जो डोमिनेंट वाला है वही गुण देखने को मिलता है, समझ रहे हैं। मान लीजिए हमें पता नहीं होता कि ये जो ब्लू है ये डोमिनेंट है, मान लीजिए पता नहीं होता, और ये वाइट जो है वो रिसेसिव है, ये मान लीजिए पता नहीं होता, और हम जब क्रॉस करवाते हैं और देखते हैं कि F1 में ब्लू देखने को मिल रहा है, तब हम बोल पाते कि जो ब्लू वाला था यही डोमिनेंट था, समझ रहे हैं। चलिए तो इसके ऊपर यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये देखिए,
वर्कआउट विच ट्राइट वुड बी कंसिडर्ड डोमिनेंट एंड विच वन इज रिसेसिव इन फिगर 9.4। इस फिगर में आपको देख के बताना है कि कौन सा डोमिनेंट ट्राइट है, पर्पल कलर या फिर वायलेट कलर या फिर व्हाइट कलर, कौन सा डोमिनेंट है। तो ये है पैरेंट जनरेशन जिसमें नॉर्मली प्योर वैरायटी लिया जाता है, ठीक है। दोनों को जब क्रॉस कराया गया तो हमें F1 जनरेशन मिल गया। तो F1 जनरेशन में चूंकि वायलेट कलर है, तब हमें यहाँ से समझ में आ गया ये जो वायलेट कलर था यही क्या था, डोमिनेंट वाला वैरायटी था, ये व्हाइट कलर रिसेसिव वैरायटी, रिसेसिव ट्राइट है, ठीक है, इतना समझे। और यहाँ से भी समझ में आ रहा है कि F2 जनरेशन में हमें 3:1, ये जो 3 वाला है ये क्या है, डोमिनेंट वाला फीचर है, और ये वाइट जो है ये रिसेसिव वाला है, इतना समझे। अच्छा, एक बात और, इस एक्सपेरिमेंट में हमने दो पी प्लांट का सिर्फ एक ही कैरेक्टर को तुलना किया, वो था प्लांट हाइट। लेकिन दोनों प्लांट में और भी तो फीचर हो सकते हैं, हो सकता है इसका फ्लावर वायलेट हो, इसका फ्लावर वाइट हो, ठीक है, कुछ भी फीचर हो सकता है। तो वो सभी फीचर हमने इन दोनों प्लांट में सब सेम लिया था, सिर्फ एक ही कैरेक्टर का यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं जो कि है प्लांट हाइट। तो इस टाइप के क्रॉस को हम लोग बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ये टर्म आपको पता होना चाहिए। मोनो हाइब्रिड क्रॉस किसको बोलते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जब दो प्लांट के बीच में क्रॉस हो और सिर्फ वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हम लोग देख रहे हो वहाँ पे। यहाँ पे वन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या है, प्लांट हाइट, ठीक है। ये भी क्या है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस है ये भी, क्योंकि हम लोग सिर्फ एक ही फीचर देख रहे हैं जो कि है फ्लावर कलर, ठीक है, फीचर या फिर कैरेक्टर बोल लीजिए। अब हम करने वाले हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, इसमें भी हम लोग दो प्लांट का क्रॉस कराएंगे इसी तरीके से, लेकिन हम यहाँ पे दो फीचर को साथ साथ में स्टडी कर रहे होंगे। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है डाई हाइब्रिड क्रॉस का डेफिनेशन, अ क्रॉस बिटवीन टू प्लांट्स हैविंग टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इज कॉल्ड डाई हाइब्रिड क्रॉस। समझ में आ गया ये, चलिए इसको और थोड़ा डिटेल में देखते हैं, पढ़ते हैं यहीं से लाइन बाय लाइन। व्हाट हैपेंस व्हेन पी प्लांट्स शोइंग टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रादर देन जस्ट वन आर ब्रेड विद ईच अदर। अब हम दो पी प्लांट लेंगे, दोनों में अलग अलग दो दो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट डू द प्रोजेनी ऑफ अ टॉल प्लांट विथ राउंड सीड्स एंड अ शॉर्ट प्लांट विथ रिंकल सीड्स लुक लाइक। अब यहाँ पे दो प्लांट लेंगे हम, एक तो है टॉल विथ राउंड सीड्स और दूसरा प्लांट में शॉर्ट प्लांट है लेकिन रिंकल सीड है। और हमें तो पता है कि जो टॉलनेस और राउंडनेस है ये दोनों क्या है, डोमिनेंट ट्राइट है, और शॉर्टनेस और रिंकल सीड ये क्या है, रिसेसिव ट्राइट है, उस चार्ट से हमने याद कर रखा है। तो हम यहाँ पे जब लिख रहे होंगे तो क्या लिखेंगे, पेरेंट जनरेशन लिखेंगे यहाँ पे, या फिर पेरेंटल जनरेशन में दोनों प्लांट है, एक तो टॉल और राउंड, तो टॉलनेस के लिए कैपिटल टी और राउंडनेस के लिए कैपिटल आर यूज़ करेंगे, ठीक है, ये बात समझ में आया। और क्रॉस करा रहे हैं उसका शॉर्ट प्लांट विथ रिंकल्ड सीड्स, रिंकल्स राउंड के लिए कैपिटल आर, तो रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर, इतना समझे। चलिए दोनों को जब क्रॉस कराएंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, गैमेट्स निकलेगा, यहाँ से भी गैमेट्स निकलेगा, गैमेट्स मतलब फ्लावर के केस में कौन सा गैमेट होता है, पोलन ग्रेन और एक सेल। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ तो पोलन ग्रेन में क्या, तो ये और ये निकल सकता है एक साथ में, क्योंकि यहाँ पे दो कैरेक्टर देख रहे हैं तो दोनों कैरेक्टर पोलन ग्रेन में निकलेगा, तो क्या तो ये निकल सकता है कैपिटल टी स्मॉल आर, ठीक है, दोनों एक साथ ही, मतलब इस कैरेक्टर के लिए एक ठो, इस कैरेक्टर के लिए एक ठो, या फिर और कुछ कॉम्बिनेशन बनेगा क्या, ये टी ये आर, तो सेम ही रहेगा, ले देखे ये टी ये आर करेंगे तो भी सेम रहेगा, किसी भी कॉम्बिनेशन ट्राई कीजिए दोनों का मिला के, तो यही बनना है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें तो ये टी और ये आर क्या तो एक साथ निकल सकता है, या फिर ये टी और ये आर सेम ही रहेगा, ये टी ये आर सेम ही रहेगा, ये टी ये आर सेम ही रहेगा, तो चारों केस में एक ही निकल रहा है तो ऐसे ही रहेंगे ये, ठीक है। जैसे करके दो लिखेंगे गैमेट्स, अब यहाँ पे एक गैमेट, यहाँ पे एक गैमेट, तो हमें पता है जब पुनेट स्क्वायर बनाएंगे तो एक लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल टी स्मॉल आर, यहाँ पे लिखेंगे स्मॉल टी स्मॉल आर, दोनों को मिला के कॉम्बिनेशन लिखिए। तो कॉम्बिनेशन लिखने का तरीका क्या होता है, पहले टी वाले का लिख लीजिए तो कैपिटल पहले स्मॉल छोटा, फिर आर वाले का लिखिए तो आर पहले कैपिटल आर बड़ा फिर छोटा आर बाद में, ठीक है। तो F1 जनरेशन के जो बच्चे होंगे उन सबका फीचर यही होगा, तो F1 जनरेशन में जितने भी बच्चे हो सबका यही फीचर होगा, टी टी आर आर, समझे इतना, मतलब इनका कैरेक्टर क्या निकल के आ गया, जो दिखेगा वो दिखेगा टॉल राउंड, टॉल प्लांट विथ राउंड सीड्स। तो इसका मतलब F1 में चूंकि ये टॉल और राउंड दिख रहा है और यहाँ पे ये प्योर डोमिनेंट था और ये प्योर रिसेसिव था, तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो टॉलनेस और राउंडनेस है ये दोनों क्या है, डोमिनेंट ट्राइट है, ठीक है, क्योंकि जो F1 में दिखता है वही डोमिनेंट होता है। तो अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, दे आर ऑल, तो यहाँ पे लिखा था कि
अगर हम टॉल प्लांट विद राउंड सीड्स और शॉर्ट प्लांट विद रिंकल सीड का क्रॉस कराए तो उनका प्रोजेनी कैसा दिखेगा। तो हमें प्रोजेनी कैसा दिखा F1 जनरेशन में, टॉल और राउंड दिखा। तो उसी बात को यहाँ पे सिंपली एक लाइन में लिख दिया है, दे आर ऑल टॉल एंड हैव राउंड सीड्स। लेकिन इस एक लाइन को समझने के लिए हमें कितना मेहनत करना पड़ा। चलिए खैर जो भी हो, टॉलनेस एंड राउंडनेस आर दस डोमिनेंट ट्राइट्स। तो ये हमने समझ लिया कि टॉलनेस और राउंडनेस जो है ये क्या है, डोमिनेंट ट्राइट है, ऐसे समझ में आया हमें। ठीक है, फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, बट वॉट हैपन्स वेन दीज F1 प्रोजेनी आर यूज टू जेनरेट F2 प्रोजेनी बाई सेल्फ पोलिनेशन। अब ये F1 में सेल्फ पोलिनेशन करवा दीजिए तो F2 में क्या क्या देखने को मिलेगा, चलिए करके देखते हैं। तो एक ऐसे ही सेम टाइप का प्लांट ले लेते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल आर स्मॉल आर, दोनों को क्रॉस कराएंगे। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे गैमेट्स निकालिए, यहाँ पे गैमेट्स निकालिए। अब यहाँ पे क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेगा देखिए, गैमेट्स निकालते वक्त ये ध्यान से समझिएगा, ये कैपिटल टी और ये आर एक साथ निकल सकता है, या फिर ये कैपिटल टी और ये स्मॉल आर एक साथ निकल सकता है, या फिर ये स्मॉल टी ये कैपिटल आर एक साथ निकल सकता है, या फिर ये स्मॉल टी ये स्मॉल आर एक साथ निकल सकता है। समझे कि नहीं समझे ये पूरा लाइन, ठीक है। उसी तरीके से इसका आप गैमेट्स बनाते हैं, तो चूंकि दोनों सेम ही है तो सेम गैमेट बनेगा वहाँ पे भी। तो लिख देते हैं क्या, तो कैपिटल टी स्मॉल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर, या फिर ये, या फिर ये, या फिर ये, समझे इतना। चलिए अब चूंकि यहाँ पर चार गैमेट दिखाए तो हमें चार, जब पोनेट स्क्वायर बनाएंगे तो चार वर्टिकल लाइन और चार हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अब लिख लेते हैं इस चारों को यहाँ पे, टी आर टी आर टी आर टी आर, इन चारों को यहाँ पे लिख लेते हैं, टी आर टी आर टी आर और ये टी ये आर, ठीक है, ये खाली रह जाता है। अब दोनों को मिला के कॉम्बिनेशन लिखते चाहिए, तो पहले टी का लिख लीजिए कैपिटल टी, फिर आर को लिखिए, फिर यहाँ पे लिखेंगे तो टी का पहले लिखेंगे और आर का लिखेंगे तो आर कैपिटल वाला पहले लिखेंगे, ठीक है। फिर इसका लिखते हैं टी टी आर आर, फिर इसका लिखेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, समझ में आ रहा है। फिर यहाँ पे देखिए कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ऐसे करके पूरा भर लेंगे, ठीक है। तो ये हमने सारा पॉसिबिलिटीज़ बना लिया, तो F2 जनरेशन में हमें इतने सारे देखने को मिलेंगे। तो यही हमारा बन गया F2 जनरेशन, ठीक है, ये सारा चीज़ हमें देखने को मिलेगा। तो कौन सा टाइप का प्लांट हमें देखने को मिल रहा है, एक तो हमें दिख रहा है टॉल राउंड, ठीक है, ये टॉल राउंड होगा, ये भी टॉल राउंड होगा क्योंकि राउंड एक तो डोमिनेंट है यहाँ पे, ये भी टॉल राउंड क्योंकि एक टी कैपिटल है तो ये टॉल बना देगा, और ये राउंड यहाँ पे, ये भी टॉल राउंड टॉल राउंड टॉल और रिंकल्ड हो जाएगा यहाँ पे। तो टॉल रिंकल वाला एक अलग सा प्लांट दिखा हमें, और क्या देखने को मिल रहा है, टॉल रिंकल्ड, फिर यहाँ पे लिखा टॉल राउंड, हमने लिख लिया है, ये भी टॉल रिंकल्ड टॉल राउंड शॉर्ट राउंड, तो ये अलग सा दिखा हमें, शॉर्ट राउंड वाला प्लांट दिखा। और कौन सा कहाँ पे पहुँचे थे, ये रहा शॉर्ट राउंड, ये हो गया शॉर्ट राउंड लिख लिया हमने, टॉल राउंड टॉल रिंकल्ड लिख लिया हमने, ये हो गया शॉर्ट राउंड लिख लिया हमने, और ये हो गया शॉर्ट रिंकल्ड। तो ये लिख लेते हैं, तो विजिबल फीचर के बेसिस पे इस टाइप का प्लांट हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए अब बुक में देखते हैं क्या लिखा हुआ है, तो जब हम F1 का सेल्फ पोलिनेशन कराएं तो इस टाइप का बच्चा हमें देखने को मिलेगा। तो देखिए
अ मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट विल फाइंड दैट सम एफ टू प्रोजेनी आर टॉल प्लांट विथ राउंड सीड। तो एफ टू में कुछ ऐसे प्लांट होंगे जो टॉल होंगे, राउंड होंगे, इस टाइप के प्लांट देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस टाइप का प्लांट पहले भी था, ये रहा टॉल राउंड वाला प्लांट हमें पैरेंट जनरेशन में था, एफ वन में भी देखने को मिला था टॉल राउंड, तो हमें यहाँ पे भी एफ टू पे देखने को मिला, तो ठीक है कोई नया बात नहीं है ये। फिर एंड सम वेयर शॉर्ट प्लांट विद रिंकल सीड, तो शॉर्ट प्लांट विद रिंकल सीड भी हमें देखने को मिला, ये हमें पैरेंट जनरेशन में हमने पहले भी लिया था शॉर्ट रिंकल्ड, तो ये हमें एफ टू में देखने को मिला, चलिए ये भी कोई नया बात नहीं है। फिर हाउएवर देयर वुड ऑल्सो बी सम एफ टू प्रोजेनी डेट शोड न्यू मिक्सचर, एफ टू में कुछ नए नए मिक्सचर भी देखने को मिले, जैसे कि ये रहा सम ऑफ देम वुड बी टॉल बट हैव रिंकल सीड, ये रहा टॉल बट रिंकल्ड, इस टाइप का प्लांट क्या पहले था टॉल एंड रिंकल्ड, क्या पहले था यहाँ पे नहीं था, टॉल राउंड था, शॉर्ट रिंकल्ड था, टॉल राउंड था, लेकिन क्या टॉल एंड रिंकल्ड पहले कभी था, आज से पहले नहीं था, एफ टू में नया बार देखने को मिला। फिर उसी तरीके से वाइल अदर्स वुड बी शॉर्ट बट हैव राउंड सीड, शॉर्ट राउंड, ये भी क्या पहले कहीं था, नहीं था, तो ये भी हमें एक नया मिक्सचर यहाँ पे देखने को मिला। तो इस बात से हम क्या बोल सकते हैं, इस बात से हमें यह समझ में आता है कि दस टॉल या फिर शॉर्ट ट्राइट और राउंड या फिर रिंकल ट्राइट आर इनडिपेंडेंटली इनहेरिटेड, ये इनडिपेंडेंट है, ऐसा नहीं है कि टॉल के साथ राउंडनेस जाएगा या फिर टॉल के साथ रिंकल जाएगा, यह अपना फॉलो करेगा, यह अपना फॉलो करेगा जो भी जिसके साथ मिक्सचर हो जाए, समझ रहे हैं, जो ट्राइट है वो क्या है, इनडिपेंडेंटली इनहेरिटेड होते हैं। तो इस लाइन से हमें यह समझ में आ रहा है कि जो कोई भी दो ट्राइट या फिर कितने भी ट्राइट हो, वो सब ट्राइट इनडिपेंडेंटली इनहेरिटेड होते हैं, मतलब कोई भी ट्राइट एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है। इसको आप अच्छे से ये भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए ह्यूमन के केस में ये मान लीजिए पिताजी है और ये मान लीजिए मम्मी है, मान लीजिए पिताजी टॉल है और इनका ब्लू आइज है, और मम्मी मान लीजिए शॉर्ट है और इनका मान लीजिए ब्राउन आइज है, तो ऐसा हो सकता है कि बच्चा जो हो वो टॉल हो और इनका ब्राउन आइज आ जाए। ठीक है, मतलब जो ट्राइट है वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, ये टॉल किसी के साथ भी मिक्स हो सकता है, ये ब्राउन के साथ भी मिक्स हो सकता है, ठीक है, या फिर ब्लू के साथ भी मिक्स हो सकता है, तो ये बात यहाँ से ध्यान रखना है। और देखिए, तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो इस बात को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मतलब जो ट्राइट है वो इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड होते हैं, कोई भी ट्राइट किसी के साथ भी मिक्स हो सकता है। ठीक है, ये बात हमने समझा। फिर देखिए क्या लिखा, अनदर एग्जांपल इज शोन इन फिगर 9.5, एक और एग्जांपल यहाँ पे शो किया गया है, इसको समझते हैं, लेकिन थोड़ी देर उससे पहले यहाँ पे जरा जेनोटाइप और फेनोटाइप का काम कर लिया जाए। यहाँ पे अगर हम जेनोटाइप बोले एफ वन में जेनोटाइप, तो ऑल आर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये बात लिख देना है, यहाँ पे जेनोटाइप हो जाएगा ऑल आर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये लिख देंगे। और अगर फेनोटाइप का बात करें तो ऑल आर टॉल प्लांट विथ राउंड सीड्स, टॉल प्लांट विथ राउंड सीड्स, इतना ही बात लिख देना है यहाँ पे। ठीक है, इसमें अगर बात करें जेनोटाइप का, तो जेनोटाइप क्या हो जाएगा, जेनोटाइप मतलब जीन के बेसिस पे फीचर, लेकिन उससे पहले तरह फेनोटाइप लिख लेते हैं, ये इजी होगा। फेनोटाइप मतलब जो विजिबल कैरेक्टर है उसके बेसिस पे फीचर, तो टॉल राउंड कितने हैं गिन लीजिए जरा, ये है टॉल राउंड, टॉल राउंड, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 है टॉल राउंड। टॉल रिंकल्ड जरा ढूंढ लेते हैं, टॉल रिंकल्ड ये रहा 1, 2, 3, तो 3 हो गया टॉल रिंकल्ड। ठीक है, फिर शॉर्ट राउंड ढूंढ लेते हैं जरा, शॉर्ट राउंड ये रहा शॉर्ट राउंड 1, 2, 3, शॉर्ट राउंड भी हो गया 3। और शॉर्ट रिंकल्ड मतलब छोटा छोटा शॉर्ट रिंकल्ड ये रहा शॉर्ट और रिंकल्ड, तो एक ही है शॉर्ट रिंकल्ड का, तो ये याद रखिए। फेनोटाइप रेशियो हो गया 9:3:3:1, बहुत फेमस रेशियो है ये। ठीक है, और अगर हम जेनोटाइप अगर हम निकालना चाहें, जेनोटाइप मतलब जीन्स के बेसिस पे कैरेक्टरिस्टिक्स, तो कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ऐसा और कोई है क्या, कैपिटल टी कैपिटल टी, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई और नहीं है, तो ये क्या 1:2। फिर इस टाइप का कोई और है क्या, TTRR, ये रहा एक और मिला 1 2
2 है, तो ये जब करने जाएंगे ना तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स निकलेगा, बहुत लंबा थोड़ा रेशियो आएगा, तो इसको हम लोग कोई नहीं निकालता, इसको हम लोग लिख देते हैं वेरी कॉम्प्लेक्स। ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है आपसे, ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ फेनोटाइप रेशियो पूछेंगे दो डाईहाइब्रिड क्रॉस का फेनोटाइप, वो भी F2 का, ठीक है। तो ये रेशियो आप याद रखिएगा, जीनोटाइप नहीं पूछते हैं जनरली, पूछेंगे ही नहीं है, ठीक है, श्योर है ये, सिर्फ ये पूछेंगे आपसे। तो देखिए यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया गया है, यहाँ पे दो प्लांट लिया गया और दोनों का दो फीचर का तुलना किया जा रहा है, तो दोनों ये हो जाएगा डाईहाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि यहाँ पे दो फीचर लिया गया है। तो राउंड सीड है, ग्रीन कलर है, ठीक है, ये हो गया रिंकल्ड सीड, येलो कलर। अब देखिए ग्रीन जो कि ये है रिसेसिव, तो छोटा वाई से, और येलो डोमिनेंट है, तो कैपिटल वाई से डिनोट किए हैं। यहाँ से गैमेट्स निकाले, तो गैमेट्स क्या, तो ये आर और ये वाई निकलेगा। चलिए इसको हम खुद से करके देख लेते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बुक वाले में एग्जांपल लिया गया है, पेरेंट जनरेशन में एक ठो लिया गया है कैपिटल आर वाई, और दूसरा लिया गया है स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है। गैमेट्स निकालते हैं, गैमेट्स में हमें ये आर ये वाई का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, या फिर ये आर ये वाई तो सेम ही है, नहीं लिखते हैं, ये आर ये वाई सेम ही है, ये आर ये वाई सेम ही है, तो एक ही टाइप का निकला। यहाँ पे निकालेंगे गैमेट्स, तो ये आर ये वाई या फिर ये आर ये वाई ये आर सब सेम निकलेगा, ठीक है। तो एक टाइप का गैमेट निकला, तो हम एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे इस वाले को यहाँ पे और इस वाले को यहाँ पे बना दीजिए कॉम्बिनेशन आर वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो F1 में जो प्लांट मिलेगा वो सभी इस टाइप के मिलेंगे, आर आर वाई वाई, मतलब राउंड प्लांट, राउंड सीड विथ येलो कलर, ठीक है, ये मिल गया। अब जब F1 को क्रॉस कराएंगे और F2 निकालने की कोशिश करेंगे, तो ये सब सेम टाइप का प्लांट होगा। तो देखिए F2 में अब यहाँ पे पहले गैमेट्स निकालेंगे ना, पहले गैमेट्स निकालेंगे, तो ये आर ये वाई निकल सकता है, या फिर ये आर और ये वाई निकल सकता है, या फिर ये आर और ये वाई निकल सकता है, या फिर ये आर और ये वाई निकल सकता है। यहाँ पे भी सेम है, तो यही चारों केस यहाँ पे निकल सकेगा, आर वाई, ठीक है। अब चार गैमेट यहाँ पे दिखा, तो चार वर्टिकल लाइन, चार हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। इस चारों को यहाँ पे लिखते हैं आर वाई, और इन चारों को यहाँ पे लिख लेते हैं, बनाइए कॉम्बिनेशन आर आर वाई वाई, फिर ये आर ये आर ये वाई, हमेशा कैपिटल आगे लिखते हैं, फिर छोटा बाद में, कैपिटल आगे छोटा बाद में, फिर दोनों कैपिटल है, फिर आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, ठीक है, ऐसा मिलेगा। तो यहाँ पे भी देखिए, ये हमें एक, ये कौन सा फीचर शो करेगा, राउंड येल्लो, तो राउंड येल्लो कौन सा है, ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 हो गया राउंड येलो वाला। फिर और कौन सा है, राउंड येलो, ये हो गया राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन कितना शो करेगा, तो 1 राउंड ग्रीन, ये रहा 2 राउंड ग्रीन 2, ये रहा 3, तो राउंड ग्रीन हो गए 3। फिर अगला कौन सा है,
ये था राउंड येलो, ये तो हो गया, राउंड ग्रीन हो गया, ये राउंड येलो हो गया, ये देखिए ये है रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो कितना है, ये एक, ये दो, तीन, रिंकल्ड येलो भी तीन, और लास्ट वाला तो ये यही मिलता है हमें, ये हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ये रिंकल्ड और ग्रीन। रिंकल्ड ग्रीन हमें कौन सा देखने को मिला, सिर्फ एक ठो ही है वो। तो यहाँ पर भी जो ये रेशियो निकाल रहे हैं, ये विजिबल फीचर के ऊपर रेशियो निकाल रहे हैं, तो ये हो गया फेनोटाइप रेशियो, फेनोटाइप रेशियो, या फिर सिंपली फेनोटाइप भी बोलते हैं। क्या हो जाएगा, 9:3:3:1, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन का परसेंटेज अगर निकालना है, तो रिंकल्ड ग्रीन क्या हो जाएगा, एक है रिंकल्ड ग्रीन, आउट ऑफ टोटल कितना है, 9 और 1 10, 3 3 6 16 और 100, इसको सॉल्व कर दीजिए, जितना भी आएगा उतना परसेंटेज हो जाएगा आंसर, ठीक है। कोई आपसे पूछा कि राउंड ग्रीन का परसेंटेज बताओ, तो राउंड ग्रीन कितना है, 3, आउट ऑफ टोटल 16, और परसेंटेज निकालने के लिए इनटू 100, ठीक है, इसको कर दीजिए आंसर आ जाएगा, हेड जो भी हो। और अगर कोई आपसे यहाँ पे जेनोटाइप पूछे, तो वो क्या है, वेरी कॉम्प्लेक्स है, नॉर्मली पूछेगा नहीं, नहीं पूछना चाहिए, हाँ, वेरी कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे F1 में कोई आपसे जेनोटाइप पूछे, तो जेनोटाइप के लिए क्या लिखेंगे, ऑल आर RRYY, ठीक है। फेनोटाइप कोई पूछे तो ऑल आर राउंड येलो, ठीक है। तो ये हो जाएगा पूरा इसका। तो अभी तक हमने जो भी समझा, अभी तक हमने जो भी यहाँ से समझ रखा है, ये सारा चीज़, इन सारों चीज़ों के बेसिस पे जो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, वो तीन ठो निकल के आता है। तो तीन ठो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ये आपके स्क्रीन पे, सबसे पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये स्टेट करता है कि आउट ऑफ अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स प्रेजेंट टुगेदर, ओनली वन इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ व्हाइल द अदर रिमेन्स सप्रेस्ड, ठीक है। मतलब जब भी कोई कैरेक्टर के लिए दो ट्रैट आता है, तो दोनों ट्रैट में से सिर्फ एक ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है और दूसरा सप्रेस्ड रहता है। तो जो एक्सप्रेस करता है उसको हम लोग बोलते हैं डोमिनेंट ट्रैट, और जो सप्रेस्ड रहता है उसको बोलते हैं रिसेसिव ट्रैट, समझे इतना। ये पहला लॉ निकल के आता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस इसको बोलते हैं। दूसरा लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है, द टू मेंबर्स ऑफ अ पेयर ऑफ फैक्टर्स, फैक्टर्स समझ रहे हैं ना, फैक्टर्स का मतलब यहाँ पे क्या है, जीन्स है, ठीक है। द टू मेंबर्स ऑफ अ पेयर ऑफ फैक्टर्स या फिर जीन्स सेपरेट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तो देखिए आप यहाँ से भी समझ सकते हैं कि किसी भी कैरेक्टर के लिए दो जीन होते हैं। यहाँ पे कैरेक्टर क्या है, राउंडनेस या फिर सीड शेप, सीड शेप के लिए दो जीन है। तो ये दोनों में से दोनों सेपरेट हो जाते हैं गैमेट फॉर्मेशन के टाइम में। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अच्छे से समझ पाएंगे आप, ये दोनों में से एक ही निकला, सेपरेट हो गया, ये दोनों में से कोई एक ही निकला। यहाँ पर भी इस दोनों आर में से सिर्फ एक ही आर निकला, और इस दोनों वाई में से सिर्फ एक ही वाई निकला। तो किसी भी कैरेक्टर के लिए जो जो फैक्टर्स होते हैं या फिर जीन्स होते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। ये है दूसरा लॉ, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन मतलब सेपरेशन, ठीक है। और तीसरा लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये लॉ तो हमने समझा ही दिया, व्हेन देयर आर टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ वन पेयर इनटू द गैमेट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अदर पेयर, ठीक है। जब दो कैरेक्टर का हम कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं, ठीक है, तब क्या हो सकता है कि कोई भी कैरेक्टर किसी भी दूसरे कैरेक्टर के साथ मिक्स हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे जो राउंड है वो चाहे तो इस येलो के साथ भी मिक्स हो सकता है, या फिर यहाँ पे चाहे तो ये जो रिंकल्ड है वो चाहे तो इस वाले जो है ग्रीन के साथ भी मिक्स हो सकता है, ठीक है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इस तीनों ही लॉ को आपको अच्छे से याद कर लेना है, वो भी समझ के, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब चलिए डाईहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, इन द फॉलोइंग क्रॉसेस राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोजेनी। तो चार यहाँ पे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में जो पेरेंट है उसका फीचर है RRYY, इसका क्रॉस कराया जा रहा है सेम RRYY के साथ में, राउंड येलो, ठीक है, ये पेरेंट है। तो बोल रहे हैं इसके बच्चे का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होगा। तो गैमेट्स निकाल लेते हैं सबसे पहले। गैमेट्स यहाँ पे निकलेगा RY, ये R ये Y लेंगे तो ये निकलेगा, ये R सबसे सेम ही निकलेगा, यहाँ पे भी निकालेंगे तो सबसे सेम ही निकलेगा। तो चूंकि दो गैमेट, एक गैमेट है एक पेरेंट का, तो हम पेरेंट स्क्वायर में एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल लाइन डालेंगे, ये आर वाई यहाँ पे, ये आर ये वाई यहाँ पे बना देंगे बच्चे का फीचर, ये आर ये वाई, तो सॉरी ये आर और ये दोनों वाई, ठीक है। तो बच्चे का फीचर क्या मिल रहा है, राउंड और साथ में येलो, ठीक है, ये हो गया बच्चे का फीचर।
तो यही इतना ही पूछा था, सिर्फ फीचर पूछा था यहाँ पे, और कुछ बताना नहीं है। क्वेश्चन नंबर बी पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है आर आर वाई वाई, इसका क्रॉस कराया जा रहा है ये आर फिर वाई वाई, पैरेंट है ये, तो इसका भी गैमेट्स निकालेंगे। सबसे पहले गैमेट्स निकलेगा ये आर ये वाई, ये तो फिर वही लंबा चौड़ा बनेगा ये आर ये वाई फिर आर वाई फिर आर वाई, ये चार गैमेट यहाँ के, फिर यहाँ के भी चार गैमेट्स निकालेंगे आर वाई फिर ये आर से ये वाई फिर ये आर से ये वाई और फिर ये आर से ये वाई। ठीक है, जैसे हम निकाल रहे हैं वैसे आप भी कीजिएगा तो इजी होगा ऐसे। अब ये हो गया गैमेट्स, ये था F1 जनरेशन, यहाँ पे भी F1 जनरेशन में फिर वही लंबा थोड़ा टेबल बनाना पड़ जाएगा। चार गैमेट है तो चार वर्टिकल फिर चार हॉरिजॉन्टल, ये आप खुद से कर लीजिएगा ठीक है, और उसके बेसिस पर फीचर लिखना है। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप एक बार खुद से इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। हम क्वेश्चन नंबर सी करते हैं। और ये जो बी है, बी का आंसर आप ये देख लीजिए स्क्रीन पे, ऐसा कुछ आंसर आएगा, खुद से कीजिएगा, इसे मिलाइएगा, देखिएगा मिलता है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। सी में बोला गया है कि ये स्मॉल आर और स्मॉल वाई लो और साथ साथ फिर से स्मॉल आर और स्मॉल वाई लो और क्रॉस करा के देखो। तो गैमेट्स निकालते हैं तो आर वाई निकलेगा, यहाँ पे गैमेट्स भी आर वाई निकलेगा, यहाँ पे पेरेंट, यहाँ पे गैमेट्स, एक ही है तो पॉइंट स्क्वायर में एक एक लाइन देंगे, यहाँ पे आर वाई यहाँ पे आर वाई, तो बच्चा होगा आर आर वाई वाई वाला, मतलब क्या हो जाएगा इसका फीचर, रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक लिखने बोला जा रहा है यहाँ पे। और क्वेश्चन नंबर डी देखिए, डी भी अच्छा क्वेश्चन है। डी में लिखा हुआ है कि ये आर और ये वाई लो और साथ साथ ये आर ये वाई लो, तो ये भी इजी है, उसी टाइप का है। यहाँ पे गैमेट निकालिए तो आर वाई निकलेगा, यहाँ पे गैमेट निकालिए तो आर वाई निकलेगा, पोनेट स्क्वायर बनाएंगे ये वाई यहाँ पे ये आर ये वाई यहाँ पे, तो आर वाई वाई, तो ये निकलेगा राउंड, कैपिटल आर से राउंड हो गया और कैपिटल वाई से येलो हो गया। समझ में आया, ये यही हो जाएगा, यहाँ पे पेरेंट गैमेट्स F1 लिखना है बस। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए जो अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, ये स्टडी द फॉलोइंग क्रॉस सोइंग सेल्फ पॉलिनेशन इन F1 फिल इन द ब्लैंक। तो देखिए पेरेंट में आर आर वाई वाई फिर उधर पे आर आर वाई वाई क्रॉस कराया गया, तो F1 में क्या मिलेगा, तो यही तो सेम ही है। देखिए यहाँ पे बच्चे निकलेंगे, सभी बच्चे का फीचर यही होगा F1 में आर आर वाई वाई। तो F1 में देखिए एक में तो ये लिख दिया गया है, दूसरा में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो उस डैश वाले में क्या लिखेंगे, यही फिर से लिख देंगे। ठीक है, हमें पता है F1 में यही दो हो जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क का जगह यही आएगा आर आर वाई वाई। चलिए तो अभी तक हमने जो भी चीज़ पढ़ा है उसको एक बार रिकैप करते हैं ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। सबसे पहला बात हमने देखा कि मेंडल ने गार्डन पी प्लांट है उसको यूज़ किया है, यह है नॉर्म कॉमन नेम और इसका साइंटिफिक नाम हो गया पीजम सैटिवम। ठीक है, और क्योंकि क्यों इन्होंने गार्डन पी प्लांट चूज़ किया उसके पांच रीज़न है, हमने उसको डिटेल में देखा। उसके बाद इन्होंने क्या किया, दो पी प्लांट लिया, एक तो था टॉल और एक था शॉर्ट, दोनों को क्या करा दिया क्रॉस, मतलब क्रॉस पोलिनेशन दोनों में करवा दिया, और क्या प्रोड्यूस किया प्रोजेनी, मतलब ऑफ स्प्रिंग इन्होंने प्रोड्यूस किया। और देखा कि जब एक टॉल प्लांट और लंबे प्लांट को क्रॉस किया जाता है यहाँ पे, तो उनके जो बच्चे हैं जिसको हम लोग F1 या फिर फर्स्ट जनरेशन या फिर प्रोजेनी ऑफ पेरेंटल जनरेशन भी बोलते हैं, वो बच्चे में कौन सा गुण आता है, ये चीज़ यहाँ पे देखा गया। और देखिए यहाँ पे जो क्रॉस करवाया गया था वो सिर्फ एक कैरेक्टर को यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट किया जा रहा है, वो कैरेक्टर क्या है प्लांट हाइट। हम लोग बाकी कैरेक्टर जैसे कि सीड शेप हो गया और सीड कलर हो गया, ये सब चीज़ यहाँ पे सेम मान रहे हैं। ठीक है, सिर्फ एक कैरेक्टर पर वो फोकस कर रहे हैं यहाँ पे, तो इस टाइप के क्रॉस को हम लोग बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो यहाँ पे मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया गया है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का डेफिनेशन क्या होता है वो हमने देखा। फिर देखिए तो यहाँ पे पता चला कि F1 जनरेशन में कोई भी मीडियम हाइट का प्लांट नहीं देखने को मिला, जब टॉल शॉर्ट को क्रॉस करते हैं तो कोई मीडियम नहीं बनता है, सभी क्या बन गए टॉल बन गए। तो इस चीज़ से क्या कंक्लूजन निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है कि जो प्रोजेनी है वो हमेशा दोनों पेरेंट में से किसी एक पेरेंट का ही कैरेक्टर पिकअप करते हैं, ना कि दोनों का मिक्सचर। ठीक है, चलिए ये बात हमें समझ में आया। उसके बाद यहाँ पे एक सवाल आया मेंडल के मन में
कि F1 के जो टॉल प्लांट है और जो पेरेंटल जनरेशन के टॉल प्लांट है, क्या दोनों सेम है? इसको पता करने के लिए मंडल ने क्या किया, इस प्लांट को सेल्फ पोलिनेशन करवा दिया और इस प्लांट को भी अलग से सेल्फ पोलिनेशन करवा दिया। जब इसको सेल्फ पोलिनेशन कराया तो मतलब TT क्रॉस ऐसे ही एक सेम प्लांट TT ले लिया उन्होंने, ठीक है। तो यहाँ से जो गैमेट निकलेगा वो टी निकलेगा, यहाँ से जो गैमेट्स निकलेगा वो क्या निकलेगा, कैपिटल टी निकलेगा। तो यहाँ पे फिर से पन्नेट स्क्वायर बना दिया TT, और जो बच्चे निकलेंगे वो कैपिटल टी। तो बच्चे निकल गए टॉल, ठीक है। उसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ था कि द प्रोजेनी ऑफ द पेरेंटल प्लांट आर ऑफ कोर्स ऑल टॉल, ठीक है। हम बोले थे बाद में समझाएंगे, अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों यहाँ पे ऑफ कोर्स लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन जहाँ तक F1 के बच्चे का बात था, जिसको हम लोग F2 या फिर सेकेंड जनरेशन बोलते हैं या फिर प्रोजेनी ऑफ F1 बोलते हैं, यहाँ पे सभी बच्चे जो है वो लंबे नहीं हुए, यहाँ पे 1/4, ठीक है, या फिर 25% जो बच्चे थे वो क्या हो गए, शॉर्ट हो गए। तो इस बात से ये समझ में आता है कि ये दोनों टॉल प्लांट एग्जैक्टली सेम नहीं थे, ठीक है। ये प्योर वैरायटी का था जिसको हम लोग होमोजाइगस बोलते हैं, लेकिन ये जो था ये इम्प्योर वैरायटी का था, इसमें कहीं ना कहीं ये शॉर्टनेस वाला जीन भी आया हुआ था, वो भले ही वो एक्सप्रेस नहीं हुआ था। समझ रहे बात का गहराई? क्यों, कैसे पता चल रहा है कि इसमें शॉर्टनेस वाला गुण आया था? क्योंकि जब इसे सेल्फ पोलिनेशन कराया गया तो एक शॉर्ट बच्चा निकल गया, मतलब इसके अंदर कहीं ना कहीं शॉर्टनेस वाला जीन तो था अंदर में, ठीक है। तो ये यहाँ पे मेंडल ने कंक्लूजन दिया कि दिस लेड मेंडल टू प्रपोज डैट टू कॉपीज ऑफ फैक्टर, मेंडल ने फैक्टर बोला था, अभी इसको क्या बोला जाता है, जीन्स बोला जाता है, ठीक है। कंट्रोलिंग ट्राइड्स आर प्रेजेंट इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, उन्होंने बोला कि हर एक ट्राइड के लिए या फिर हर एक कैरेक्टर के लिए दो जीन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, और ये दोनों जीन आइडेंटिकल हो सकते हैं नहीं तो डिफरेंट हो सकते हैं। अगर ये दोनों जीन आइडेंटिकल हुए इस तरीके से या फिर इस तरीके से तो ये कहलाएगा होमोजाइगस, और अगर ये डिफरेंट हुए इस तरीके से तो ये कहलाएगा हेटरोजाइगस, ठीक है। फिर हमने समझा कि डोमिनेंट ट्राइड और रिसेसिव ट्राइड क्या होता है। ऐसे ट्राइड जो कैपिटल टी की तरफ बिहेव करते हैं उसको बोलते हैं डोमिनेंट ट्राइड, और रिसेसिव ट्राइड जो स्मॉल टी की तरफ बिहेव करते हैं, ठीक है। डोमिनेंट ट्राइड को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है और रिसेसिव को स्मॉल लेटर टी से। ये चीज़ हमने देखा, और साथ साथ जो वो चार्ट था 7 कैरेक्टर का वो अच्छे से याद कर लेना है, और याद करना है कि पी प्लांट में कौन सा ट्राइड डोमिनेंट है और कौन सा रिसेसिव, ठीक है। तो ये था मोनो हाइब्रिड क्रॉस। फिर हमने देखा डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, ऐसा क्रॉस जिसमें दो कैरेक्टर को कॉन्ट्रास्ट किया जाए, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे एक टॉल प्लांट विथ राउंड सीड ले लिया और दूसरा एक शॉर्ट प्लांट विथ रिंकल्ड सीड। हमें पता है टॉनलेस और राउंडनेस क्या है, डोमिनेंट ट्राइड है। फिर इन दोनों को क्रॉस करवा के प्रोजेनी प्रोड्यूस किया, तो इनका जो प्रोजेनी था वो क्या था, देखिए क्या था, दे आर ऑल टॉल एंड हैव राउंड सीड। तो चूंकि F1 में हमें टॉल और राउंडनेस देखने को मिला, इससे हम बोल सकते हैं कि टॉनलेस और राउंड सीड्स ये दोनों क्या है, डोमिनेंट ट्राइड है। ये चीज़ हमने समझा। फिर इस F1 वाले बच्चे को सेल्फ पोलिनेशन करवाया गया और F2 प्रोजेनी प्रोड्यूस किया गया। फिर F2 के बच्चे में हमें क्या क्या देखने को मिला, कुछ बच्चे ऐसे थे जो टॉल और राउंड सीड्स थे, कुछ ऐसे थे जो शॉर्ट और रिंकल्ड थे, फिर कुछ ऐसे थे टॉल बट रिंकल सीड, और कुछ ऐसे थे जो शॉर्ट बट राउंड सीड। तो ये दोनों हमें नया नया कॉम्बिनेशन देखने को मिला। तो इसी से मेंडल ने क्या कंक्लूड कर दिया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मतलब टॉल या फिर शॉर्ट ट्राइड एंड द राउंड एंड द रिंकल सीड ट्राइड, ये दोनों क्या है, इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि टॉल के साथ हमेशा राउंड आएगा, टॉल के साथ चाहे तो रिंकल्ड सीड भी आ सकता है, शॉर्ट के साथ चाहे तो राउंड सीड भी आ सकता है, ठीक है। तो आपस में ये मिक्स हो सकते हैं, ये चीज़ हमने देखा। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है। और हम जो बना बना के दिखाए हैं कैसे गैमेट्स बनता है, फिर कैसे F1 जनरेशन बनता है, फिर कैसे F2 जनरेशन बनता है, वो चीज़ आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो इसी के ऊपर हम एक क्वेश्चन आपको देते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जाता है। देखिए, अ ग्रीन स्टेम्ड रोज प्लांट डिनोटेड बाई G एंड अ ब्राउन स्टेम्ड रोज प्लांट डिनोटेड बाई g आर अलाउड टू अंडरगो अ क्रॉस विथ ईच अदर, ठीक है। G और g को क्रॉस करवा दिया गया। तो यहाँ पे हमें G से समझ में आ रहा है कि जो ग्रीन स्टेम्ड रोज प्लांट है ये क्या है, एक डोमिनेंट ट्राइट है, और ब्राउन स्टेम्ड होना ये रिसेसिव ट्राइट है। क्वेश्चन पूछा गया है नंबर ए, लिस्ट योर ऑब्जर्वेशंस रिगार्डिंग कलर ऑफ स्टेम इन F1 प्रोजेनी। तो F1 में क्या दिखेगा आपको कलर, आप आराम से बना सकेंगे। पहले पनेट स्क्वायर बनाना है, पहले गैमेट्स निकालना है, फिर पनेट स्क्वायर बनाना है, वहाँ पर देख के आप बोल सकेंगे। दूसरा परसेंटेज पूछा है किसी चीज़ का, ये आप खुद से पढ़ के कीजिएगा। और नंबर 3 में रेशियो पूछा है इन दोनों का F2 जनरेशन में, ठीक है, आप कर लेंगे ये खुद से करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
और क्वेश्चन नंबर बी देखिए, इसमें पूछा है कि बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ दिस क्रॉस व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। जब भी आपको क्वेश्चन में कंक्लूजन वर्ड दिखे इस टाइप के क्वेश्चन में, तो आप समझ जाइएगा कि आपको यहाँ पे जो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, तीनों लॉ आपको लिखना है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, ये तीनों यहाँ पे लिख दीजिएगा, काम हो जाएगा। चलिए अब मूव करते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हाउ डू दिस ट्राइड्स गेट एक्सप्रेस्ड, ये ट्राइड कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो इसको यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझाया गया है। देखिए, सेलुलर डीएनए इज़ द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन इन द सेल। इतना तो हमें पता है कि जो सेल के अंदर डीएनए होता है, इस डीएनए में ही इंफॉर्मेशन कोडेड होता है कि कैसा शरीर का प्रोटीन बनाना है, कैसे एक सिर बनेगा, दो हाथ, दो पैर और बाकी सारा आँख कान नाक ये सब कैसा बनेगा, ये सब डीएनए में ही लिखा होता है। ठीक है, अ सेक्शन ऑफ डीएनए दैट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन फॉर वन प्रोटीन इज कॉल्ड जीन फॉर दैट प्रोटीन। और हमने थोड़ी देर पहले अभी समझा था जीन क्या होता है, तो डीएनए का ही एक स्पेसिफिक पार्ट को जीन बोलते हैं। ठीक है, तो वो जीन क्या है, इन्फॉर्मेशन उसमें रहता है फॉर एक खास प्रोटीन के लिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कान के लिए इन्फॉर्मेशन होगा एक टाइप के जीन में, फिर नाक के लिए इन्फॉर्मेशन होगा और दूसरे टाइप के जीन में, फिर आँख के लिए किसी और टाइप के जीन में इन्फॉर्मेशन होगा। तो मतलब जीन का मतलब हमें समझ में आ रहा है कि जीन क्या है, अ सेक्शन ऑफ डीएनए, डीएनए का एक पार्ट है जिसमें इन्फॉर्मेशन होता है किसी एक प्रोटीन को लेके। ठीक है, अब आपके मन में सवाल उठा होगा कि ये जो प्रोटीन है ये कैसे कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। तो देखिए, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए टोनलेस को हम समझ रहे हैं। ठीक है, हमें ये बात पता है कि प्लांट के अंदर हॉर्मोन्स होते हैं जो उनके ग्रोथ को ट्रिगर करते हैं। ठीक है, ये हॉर्मोन होंगे तो प्लांट अच्छा ग्रो करेगा, अच्छे हाइट तक ग्रो करेगा, और ये हॉर्मोन कम होगा तो प्लांट शॉर्ट रह जाएगा। अब प्लांट में ये हॉर्मोन कितना बनेगा ये डिपेंड करेगा उस प्रोसेस पे, जिस प्रोसेस से ये हॉर्मोन बनता है उस प्रोसेस का एफिशिएंसी पे डिपेंड करेगा। एफिशिएंसी मतलब कितने अच्छे से वो प्रोसेस हो पाता है। अब मान लीजिए कोई एक एंजाइम है प्लांट के शरीर में, अगर ये एंजाइम अच्छे से काम करता है तब ये प्रोसेस काफ़ी अच्छा परफॉर्म होगा, तब बहुत ज़्यादा हॉर्मोन प्रोड्यूस होगा, इस वजह से प्लांट क्या हो जाएगा, टॉल हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए इस एंजाइम के लिए जो जीन था वो जीन में थोड़ा चेंज आ गया, ऑल्टरेशन मतलब चेंज आ गया, जिस वजह से ये एंजाइम अच्छे से काम नहीं कर पाया। ये एंजाइम अच्छे से काम नहीं कर पाएगा मतलब ये प्रोसेस का एफिशिएंसी डाउन हो जाएगा। एफिशिएंसी अच्छा नहीं होगा तो प्लांट हार्मोन कम प्रोड्यूस होगा, और हार्मोन कम प्रोड्यूस होगा तो प्लांट क्या रह जाएगा, शॉर्ट रह जाएगा। तो ले देखें, जीन ही है जो कंट्रोल कर रहा है प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो इसका मतलब एक सिंगल कंक्लूजन यहाँ पे बोल सकते हैं कि दस जीन कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ट्राइड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन है ये। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, कैसे भी करके एक मार्क्स का क्वेश्चन ये बन सकता है। ये बात हमने समझा। दूसरे बात पे आते हैं, ये देखिए, हमें पता है कि बोथ पेरेंट मस्ट बी कंट्रीब्यूटिंग इक्वली टू द डीएनए ऑफ द प्रोजेनी ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान दोनों ही पेरेंट बराबर जेनेटिक मटेरियल कंट्रीब्यूट करते हैं बच्चे में, ये बात तो हमें पता है। ठीक है, हमने देखा था कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन जो गैमेट्स उनका निकलता है 23 निकलता है, तो आधे आधे क्रोमोसोम्स दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। दिस मीन्स डैट ईच पी प्लांट मस्ट हैव टू सेट्स ऑफ ऑल जीन्स, वन इनहेरिटेड फ्रॉम ईच पेरेंट। तो इसका मतलब हमें यह समझ में आ रहा है, ये हमने स्टार्टिंग में भी समझा था, कि हर पी प्लांट के अंदर किसी भी एक कैरेक्टर के लिए दो सेट ऑफ जीन्स होगा, एक आया होगा दोनों हर एक पेरेंट से, एक पापा से और एक मम्मी से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जीन्स रिलेटेड एक बात लिखा गया है कि जो जीन है ना ये सेल के अंदर प्रेजेंट होता है एक लंबे थ्रेड की तरह नहीं, बल्कि एक सेपरेट पीसेस में प्रेजेंट होता है, और हर एक पीसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। जैसे कि ऐसा नहीं है कि ये जो जीन है ऐसा एक लंबा धागा के रूप में प्रेजेंट होगा डीएनए की तरह, जीन क्या होता है छोटे छोटे पीसेस में प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स बोलते हैं। अभी समझेंगे थोड़े डिटेल में, अभी आप ये समझिए। तो ये देखिए, यहाँ से समझना ईजी होगा, ये है एक कोई भी बॉडी का सेल। ठीक है, सेल के अंदर आप ये देख पा रहे न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर आप ब्लू ब्लू कलर के जो क्रॉस टाइप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये सब क्या है, क्रोमोसोम्स है। ठीक है, इसी में से एक क्रोमोसोम का डायग्राम यहाँ पे बनाया गया है डिटेल में। तो देखिए, अगर इस क्रोमोसोम का एक पार्ट को यहाँ से खोलेंगे तो आपको कुछ जूम करते करते ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, और ये चीज़ ले देखिए क्या है, ये चीज़ हमारा डीएनए है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और इस डीएनए का स्पेसिफिक पार्ट यहाँ से लेकर मान लीजिए यहाँ तक, ये क्या कहलाएगा, जीन कहलाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जीन। ठीक है, इतना समझे। अब देखिए, तो ऐसे ही एक क्रोमोसोम के अंदर लगभग 100 से लेकर 1000 कितने हज़ार जीन होते हैं एक क्रोमोसोम के अंदर। ठीक है, और ह्यूमन बींग में टोटल कितना क्रोमोसोम्स होता है, 46 क्रोमोसोम्स। 46 क्रोमोसोम्स पेयर्स में होते हैं तो 23 पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो टोटल ह्यूमन बॉडी में लगभग 20,000 से 25,000 जीन्स होते हैं।
ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। एग्जाम में पूछते नहीं है, बस ऐसे नॉलेज के लिए था। अब देखिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो जीन्स होते हैं वो लॉन्ग थ्रेड के रूप में प्रेजेंट नहीं होता। ऐसा नहीं कि धागे के स्ट्रक्चर में होंगे, ऐसा एक ही धागे में सब टाइप का जीन्स होगा, ऐसा नहीं होता है। जीन्स जो होता है वो कैसे प्रेजेंट होता है, एज सेपरेट इंडिपेंडेंट पीसेस में प्रेजेंट होता है, और उस पीस को क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है, अभी हमने नीचे के डायग्राम में भी देखा। तो ये देखिए, ये है क्रोमोसोम, ये है क्रोमोसोम। तो इस क्रोमोसोम के अंदर क्या है, डीएनए है, और डीएनए का स्पेसिफिक पार्ट को जीन बोलते हैं, इतना समझे। और अभी मैंने बोला कि टोटल ह्यूमंस में क्रोमोसोम्स का नंबर कितना होता है, 46, और ये पेयर्स में होते हैं, तो टोटल कितने हो गए, 23 पेयर्स। तो ये देखिए 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पे बनाया गया है, समझ रहे हैं। अब यहाँ पे दो टाइप का क्रोमोसोम्स आपको दिख रहा होगा, एक होता है ऑटोसोम्स और एक होता है सेक्स क्रोमोसोम। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, कितने टाइप के क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन बॉडी में, दो टाइप के। ऑटोसोम्स टोटल 22 क्रोमोसोम को बोलते हैं ऑटोसोम्स, और जो 23वां पेयर है ना, ये कहलाता है सेक्स क्रोमोसोम। इसके बारे में थोड़ी देर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि क्रोमोसोम्स दो टाइप का होता है, ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है इतना। चलिए अब देखिए, क्रोमोसोम्स जो है वो पेयर में एग्जिस्ट करता है, इसका एक और मतलब है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो एक जो क्रोमोसोम है वो आया होगा फादर से, और दूसरा क्रोमोसोम आया होगा मदर से, ठीक है। सिमिलरली ये सब में भी, तो ऐसे करके पेयर बना के एग्जिस्ट करता है। तो जैसे ही जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो ये क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें से चाहे तो ये, नहीं तो ये स्पर्म में या फिर एक सेल में चला जाएगा, ठीक है, ऐसे करके काम होता है। चलिए वापस आते हैं टेक्स्ट पे। तो देखिए यहाँ से एक बार फिर से पढ़ते हैं, लिखा हुआ है ईच जीन सेट इज़ प्रेजेंट नॉट एज अ सिंगल लॉन्ग थ्रेड। एक लंबे धागे में ही सारा का सारा जीन प्रेजेंट नहीं होता है, बल्कि जीन कैसे प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे पीसेस में प्रेजेंट होते हैं, और हर एक पीस को क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। तो यहाँ से एक मासा क्वेश्चन बहुत फेमस बनता है आपके एग्जाम में, आपको बोलेंगे कि जीन इज लोकेटेड ऑन डैश, तो आपको लिखना होगा क्रोमोसोम, ठीक है। फिर देखिए, ईच सेल विल हैव टू कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम। तो हर एक सेल में किसी भी क्रोमोसोम का दो कॉपी होता है, एक आया होता है मेल से मतलब फादर से, और एक आया होता है फीमेल से मतलब मदर से। एवरी जर्म सेल, जर्म सेल मतलब समझ रहे हैं स्पर्म या फिर एक सेल को बोला जा रहा है, विल टेक वन क्रोमोसोम फ्रॉम ईच पेयर। तो जब ये जर्म सेल मतलब गैमेट है, तो उस गैमेट में उस दो क्रोमोसोम में से किसी कोई एक क्रोमोसोम आ जाएगा, एंड दीज मे बी ऑफ आइदर मैटरनल और पैटर्नल ओरिजिन, ठीक है। और मतलब मान लीजिए कि हमने जो दो क्रोमोसोम देखा था ऐसे ऐसे करके, तो हमें पता है कि एक फादर की तरफ से आया हुआ है और एक मदर की तरफ से आया हुआ है, लेकिन जब गैमेट्स बनेगा तो गैमेट्स में क्या तो ये वाला क्रोमोसोम आ सकता है, नहीं तो ये वाला, दोनों में से कोई भी एक आ सकता है। वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो क्रोमोसोम्स आएगा गैमेट में वो क्या तो मैटरनल हो सकता है, नहीं तो फादर का हो सकता है। व्हेन टू जर्म सेल्स कंबाइन, तो जब दोनों जर्म सेल कंबाइन करेंगे, स्पर्म और एक सेल जब दोनों कंबाइन करेंगे, तो मान लीजिए स्पर्म में 23 क्रोमोसोम्स है और उधर एक सेल में भी 23 क्रोमोसोम्स है, जब दोनों कंबाइन करके जाइगोट फॉर्म करेंगे तो उसमें जो नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर है वो रिस्टोर हो जाएगा 46। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन टू जर्म सेल्स कंबाइन दे विल रिस्टोर द नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द प्रोजेनी, इंश्योरिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द डीएनए ऑफ द स्पीसीज, समझे इतना। अब समझ तो लिए, लेकिन सवाल उठता है कि इस पे क्वेश्चन कैसा आएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स डू ह्यूमन बींग्स हैव। ह्यूमन बींग्स में कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, तो यहाँ पे पेयर पूछा है, तो आपको लिखना होगा 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। फिर इसी में और पूछा है कि स्पेसिफाई द टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स ऑल्सो। क्रोमोसोम्स से कितने टाइप है, तो हमें पता है दो टाइप है, जो 22 फर्स्ट 22 पेयर है उसको क्या बोलते हैं, ऑटोसोम्स, और जो 23rd पेयर है उसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है इतना। चलिए फिर एक क्वेश्चन और बनेगा यहाँ से, ये रहा, आपसे बोलेंगे कि हाउ इज़ द इक्वल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स इंश्योर्ड इन द प्रोजेनी। प्रोजेनी में कैसे मेल और फीमेल बराबर जेनेटिक कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो देखिए आपका आंसर ऐसे लिखना होगा कि ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ फीमेल गैमेट या फिर एक सेल फ्यूजेस मतलब मिक्स विद द मेल गैमेट और स्पर्म सेल विच आर हैप्लॉयड टू फॉर्म जाइगोट। तो हम जो अभी बोले थे कि स्पर्म में सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स होगा गैमेट्स में, और एक सेल में भी सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स होगा, तो ये चूंकि आधे हैं तो इनको हम लोग हैप्लॉयड भी बोलते हैं, और नॉर्मल जो बॉडी सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्लॉयड बोलते हैं। तो ये टर्म आप याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक सेल और स्पर्म सेल दोनों क्या है, हैप्लॉयड है, और दोनों मिलकर जाइगोट फॉर्म करते हैं। जाइगोट इज डिप्लॉयड विच कंटेंस 23 क्रोमोसोम्स फ्रॉम मदर एंड 23 फ्रॉम फादर। तो जाइगोट जो है वो डिप्लॉयड हो जाएगा क्योंकि उसमें 23-23 मिलकर 46 हो जा रहा है। इन दिस वे इक्वल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स इज इंश्योर्ड इन द प्रोजेनी, ठीक है। तो ये आंसर आपको लिखना होगा यहाँ पे, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये।
चलिए अब मूव करते हैं लास्ट टॉपिक पे, जो कि है सेक्स डिटर्मिनेशन। ये तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मान के चलिए बहुत चांसेस है ये क्वेश्चन इस बार आने का बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो ये कैसे होता है, कोई बच्चा लड़का होगा कि लड़की होगा, ये कैसे पता चलेगा, तो देखिए, और कौन इसके लिए उत्तरदायित्व तो होता है। तो इन ह्यूमन बींग्स द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज लार्जली जेनेटिकली डिटरमाइंड। जो इंडिविजुअल का सेक्स है कि वो लड़का होगा कि लड़की होगा, ये जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है, ठीक है, जीन्स पर डिपेंड करता है। द जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम आवर पेरेंट डिसाइड वेदर वी विल बी बॉयज और गर्ल्स। पेरेंट के जीन्स पर डिपेंड करेगा कि उनके गैमेट में कौन सा टाइप का जीन आ रहा है, उस पर डिपेंड करेगा कि हम लड़के होंगे या फिर लड़की होंगे। अब ये कैसे डिपेंड करेगा, चलिए समझते हैं। द एक्सप्लेनेशन लाइज इन द फैक्ट दैट ऑल ह्यूमन क्रोमोजोम्स आर नॉट पेयर्ड। तो एक्सप्लेनेशन ये है कि जितने भी ह्यूमन क्रोमोजोम्स हैं ना, वो सब क्या है, पेयर्ड नहीं है। अब आप बोलेंगे, हम तो अभी बोले थे कि टोटल 46 क्रोमोजोम्स है और ये पेयर में एग्जिस्ट करते तो 23 पेयर्स हो गया, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है सभी पेयर्ड नहीं है। ऐसा क्यों है, देखिए समझते हैं। मोस्ट ह्यूमन क्रोमोजोम्स हैव अ मैटरनल एंड अ पैटर्नल कॉपी एंड वी हैव 22 सच पेयर्स। तो जितने भी ज़्यादातर क्रोमोजोम्स है ना, टोटल 44 क्रोमोजोम्स, ये ऐसे हैं जिसमें जिनका पेयर सही तरीके से बनता है, 22 पेयर्स है। मतलब इसमें एक क्रोमोजोम्स होगा फादर की तरफ से और एक क्रोमोजोम होगा मदर की तरफ से, ठीक है। तो ऐसे करके 22 पेयर है, ठीक है, और इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोजोम्स बोलते हैं, ठीक है। बट वन पेयर, लेकिन एक जो पेयर है 23वां पेयर, जिसको हम लोग सेक्स क्रोमोजोम बोलते हैं, इज ऑड इन नॉट ऑलवेज बींग अ परफेक्ट पेयर। यह हमेशा से परफेक्ट पेयर नहीं बनाता है। वुमेन के केस में यह परफेक्ट पेयर होता है, क्योंकि यहाँ पे जो क्रोमोजोम्स होते हैं दोनों एक्स एक्स होते हैं, लेकिन मैन के केस में ये मिसमैच होता है, जिसमें एक नॉर्मल साइज का एक्स तो होता है लेकिन दूसरा वाला क्रोमोजोम शॉर्ट वन जो होता है उसको वाई बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं कि वुमेन क्या है, एक्स एक्स है, और मैन क्या है, एक्स वाई है। अब ये एक्स 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 वाई क्या है समझते हैं। ये देखिए, अभी हमने पढ़ा कि जो सभी क्रोमोजोम्स हैं वो एग्जैक्ट पेयर नहीं बनाते हैं, सिर्फ 22 पेयर, मतलब 44 क्रोमोजोम्स ऐसे हैं जो एग्जैक्ट पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोजोम्स। आप देख पा रहे हैं ये पेयर है, पेयर है, पेयर है, सब पेयर बना रहे हैं, यहाँ तक सब पेयर बना रहे हैं, ठीक है। जो 23वां क्रोमोजोम है वो फीमेल के केस में एग्जैक्ट पेयर है, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्स एक्स है, लेकिन मेल के केस में ये एग्जैक्ट पेयर नहीं बनता है। मेल के केस में एक क्रोमोजोम होता है एक्स और दूसरा क्रोमोजोम होता है वाई का, ठीक है। आप सिर्फ इतना इसको याद कर लीजिए कि जो फीमेल है उसमें 23वां क्रोमोजोम एक्स एक्स होता है और मेल के केस में 23वां क्रोमोजोम एक्स वाई होता है, इस बात को आप याद कर लीजिए, समझे। और इस क्रोमोजोम को सेक्स क्रोमोजोम बोलते हैं। तो देखिए, तो अब समझते हैं कि इस चीज़ से ये एक्स एक्स और एक्स वाई से सेक्स कैसे इन्फ्लुएंस होता है, लड़का लड़की होना कैसे इन्फ्लुएंस होता है। अब देखिए, हमें तो ये पता है, बाकी सब चीज़ साइड में रखिए, अभी हम सिर्फ सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम सिर्फ 23वां पेयर जो है सेक्स क्रोमोजोम उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। हमें पता है कि 23rd पेयर मेल के केस में क्या होता है, एक्स वाई होता है, और फीमेल के केस में एक्स एक्स होता है, इतना तो हमें पता है। अब इनका जब गैमेट निकलेगा, तो गैमेट में मेल के केस में क्या तो एक्स निकल सकता है स्पर्म में, या फिर वाई निकल सकता है, और फीमेल के केस में एक्स सेल है उसमें तो दोनों ही एक्स है, तो एक सेल में इतना कन्फर्म है कि वहाँ पर एक्स ही निकलेगा, इतना समझे। अब देखिए, अगर मेल के केस में अगर एक्स निकला है तो ये एक्स उस एक्स के साथ कंबाइन होगा और जाइगोट जो बनेगा वो एक्स एक्स बनेगा, एक्स एक्स मतलब वो ऑफस्प्रिंग फीमेल होगा, ठीक है। और अगर मेल के केस में, मेल का स्पर्म में अगर वाई निकला होता तो वो एक्स के साथ कंबाइन होकर क्या देता, एक्स वाई देता, और एक्स वाई हो गया मतलब वो क्या बन जाता, मेल बन जाता, समझ रहे। तो इसका मतलब कोई बच्चा लड़का होगा कि लड़की होगा ये डिपेंड करता है मेल पे, ठीक है। मेल में ही एक्स और वाई का डिफरेंस है, अगर मेल एक्स दिया तो लड़की हो जाएगा और अगर मेल वाई दिया तो लड़का हो जाएगा, फीमेल का यहाँ पे कोई रोल नहीं है क्योंकि फीमेल तो हमेशा ही एक्स देगी, ठीक है। चलिए यहाँ पे पढ़ लेते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है। ऑल चिल्ड्रेन विल इनहेरिट एन एक्स क्रोमोजोम फ्रॉम देयर मदर रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे आर बॉयज और गर्ल्स। जितने भी बच्चे हैं वो तो उनको मम्मी से क्या मिलेगा, एक्स ही मिलेगा, भले ही वो लड़के हो या फिर लड़की हो, ठीक है। Thus, the sex of the children will be determined by what they inherit from their father. तो बच्चे का जो सेक्स है, लिंग है, वो डिपेंड करेगा कि फादर से कौन सा क्रोमोजोम आ रहा है। A child who inherits an X chromosome from her father will be girl. तो ऐसा बच्चा जो फादर से X chromosome ले रहा है तो वो लड़की होगा, और ऐसा बच्चा जो फादर से Y chromosome ले रहा है वो क्या होगा, लड़का होगा, ठीक है। समझ में आ गया, तो इसको देखिए, आपको तैयार क्या करना है, ये लाइन जितना अंडरलाइन किया हुआ है वेरी इंपॉर्टेंट, फिर ये जितना अंडरलाइन किया हुआ है ब्लू से वो, और ये लास्ट में ये पूरा पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छे से तैयार करना है आपको, और ये डायग्राम, ये डायग्राम का सिंप्लीफाइड वर्जन अभी हम बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि ये ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे कि हाउ इज़ द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड डिटरमाइंड इन ह्यूमन बींग्स।
ह्यूमन बींग्स में बच्चे का लिंग क्या होगा, वो कैसे डिटरमाइन होता है। तो जितना हम यहाँ पे ब्लू अंडरलाइन किए थे अभी जो आपको दिखाए थे वो तो लिखना ही है, और साथ साथ ये डायग्राम बनाना है। तो ये डायग्राम का सिंप्लीफाइड वर्जन कुछ इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे पेरेंट्स। तो पेरेंट्स में हमारे दो है, एक है मेल जिनका सेक्स क्रोमोजोम होता है एक्स वाई, और एक है फीमेल जिनका सेक्स क्रोमोजोम होता है एक्स एक्स, ठीक है। फिर इनसे निकलेगा गैमेट्स, और इनसे भी निकलेगा गैमेट्स। तो गैमेट्स देख लीजिए, मेल के केस में क्या तो एक्स निकल सकता है स्पर्म में, या फिर वाई निकल सकता है, दोनों का ही चांसेस है निकलने का, ठीक है। लेकिन फीमेल के केस में दोनों ही एक्स है, तो इनका जो एक्स सेल होगा उसमें कन्फर्म है कि एक्स ही निकलेगा सिर्फ, ठीक है। तो अगर ये मेल के केस में एक्स निकला, तो ये फीमेल का इस एक्स से कंबाइन होके जो जाइगोट बनाएगा वो एक्स एक्स टाइप का जाइगोट होगा, ठीक है। और अगर मेल के केस में वाई निकला होता तो ये फीमेल का एक्स से मिलके एक्स वाई बनाएगा जाइगोट, ठीक है। ये हो गया जाइगोट। तो ये जाइगोट है, मतलब ये कौन सा ऑफ स्प्रिंग देगा, यहाँ पे लिख देंगे ऑफ स्प्रिंग। एक्स एक्स है मतलब ये क्या बन जाएगा, फीमेल। और यहाँ पे एक्स वाई है मतलब ये जाइगोट क्या बनेगा आगे चल के, मेल बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें समझ में आ रहा है कि जो चाइल्ड का सेक्स है वो डिटरमाइन होता है मेल, नॉट बाय फीमेल, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम, और प्लस जो वहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ था वो उतना लिखिएगा, कंप्लीट मार्क्स मिलेगा, और ये आने का चांसेस वेरी 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 हाई है, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पेरेंट्स है, फिर गैमेट्स, फिर जाइगोट, और फिर ऑफस्प्रिंग, ये चार स्टेप में आपको दिखाना है। चलिए, अब चलिए कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन है, हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्राइड्स में बी डोमिनेंट और रिसेसिव। मेंडल के एक्सपेरिमेंट से कैसे पता चलता है कि ट्राइड्स डोमिनेंट हो सकते हैं या फिर रिसेसिव हो सकते हैं। तो देखिए, इसका आंसर ऐसे लिखेंगे कि मेंडल टूक पी प्लांट्स विथ कॉन्ट्रास्टिंग ट्राइड्स, टॉल प्लांट एंड शॉर्ट प्लांट, ठीक है। ऑन क्रॉस पॉलिनेशन ही गॉट ऑल टॉल प्लांट्स इन फर्स्ट जनरेशन, जिसको F1 बोलते हैं। बट बाई द सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ F1 टॉल प्लांट्स, द प्लांट्स ऑफ सेकेंड जनरेशन कंसिस्टेड ऑफ टॉल एंड शॉर्ट प्लांट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो F1 में हमें सिर्फ टॉल देखने को मिला, लेकिन जब F1 वाले टॉल प्लांट को सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया तो जो सेकेंड जनरेशन में हमें शॉर्ट प्लांट भी दिख गया, ठीक है। और टॉल और शॉर्ट का रेशियो था 3:1, जिसको हम लोग फेनोटाइप रेशियो बोलते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट द ट्राइड्स डैट अपियर्ड इन फर्स्ट जनरेशन वर कॉल्ड डोमिनेंट। जो फर्स्ट जनरेशन में हमें ट्राइड दिखा उसको डोमिनेंट ट्राइड बोल देंगे, एंड द ट्राइड्स डैट डिड नॉट अपियर वर कॉल्ड रिसेसिव। और जो ट्राइड जो नहीं दिखा फर्स्ट जनरेशन में, जो था शॉर्टनेस, वो हो जाएगा रिसेसिव ट्राइड, ठीक है। ये आंसर आपको तैयार कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, दूसरे क्वेश्चन में मूव करते हैं। हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्राइड्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। मेंडल के एक्सपेरिमेंट से कैसे पता चलता है कि जो ट्राइड्स है वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं और किसी भी तरह से मिक्स हो सकते हैं। तो देखिए, इसका आंसर ये लिखेंगे, व्हेन अ पी प्लांट हैविंग राउंड ग्रीन सीड्स। देखिए, यहाँ पे ऐसा पी प्लांट है जिसका राउंड है और ग्रीन सीड है, दो कैरेक्टर लिया जा रहा है। इज क्रॉस्ड विद अ पी प्लांट हैविंग रिंकल्ड येलो सीड्स इन F1 जनरेशन, ऑल द प्लांट्स हैव राउंड येलो सीड्स, ठीक है। F1 जनरेशन में पाया गया कि सभी प्लांट का राउंड और येलो सीड्स था, क्योंकि ये डोमिनेंट ट्राइड है। बट इन द F2 जनरेशन टू न्यू ट्राइड्स, दैट इज राउंड येलो एंड रिंकल ग्रीन अपियर, दो अलग अलग ट्राइड हमें देखने को मिले। तो ये शो करता है कि जो ट्राइड है वो इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड हुए हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। लिखा हुआ है, अ मैन विथ ब्लड ग्रुप ए। एक मैन है जिनका ब्लड ग्रुप ए है, एक ऐसे वुमेन से शादी कर लेते हैं जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है, एंड देयर डॉटर हैज़ ब्लड ग्रुप ओ, और जो बेटी पैदा होती है उसमें भी ब्लड ग्रुप ओ होता है। तो क्या यह इन्फॉर्मेशन इनफ है टू टेल यू विच ऑफ द ट्राइड्स ब्लड ग्रुप ए और ओ इज डोमिनेंट। तो क्या हम इतने इन्फॉर्मेशन से क्या बता सकते हैं कि ए या फिर ओ दोनों में से कौन डोमिनेंट है, क्यों या फिर क्यों नहीं। तो देखिए, इसको थोड़ा हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, चूंकि यहाँ पे मैन का ब्लड ग्रुप ए है, तो अगर हम मैन का जो पेयर ऑफ जीन है अगर हम उसको ए ओ मान ले, ठीक है, क्योंकि जो जीन है वो पेयर में एग्जिस्ट करता है, ए ओ मान ले, तो हम इसका मतलब हम क्या मान रहे हैं, चूंकि मैन का ब्लड ग्रुप ए है और हम अगर इसका पेयर ऑफ जीन ए ओ मान रहे हैं, इसका मतलब ए डोमिनेंट है, तभी तो ओ को सप्रेस करके ए एक्सप्रेस कर पा रहा है अपने आप को, ठीक है। तो अगर हम मैन का पेयर ऑफ जीन ए ओ मान लेते हैं, तो वुमेन का ब्लड ग्रुप यहाँ पे ओ दिया हुआ है, इसका मतलब वुमेन का ब्लड ग्रुप पक्का ओ ओ होगा, ठीक है, क्योंकि ए ओ हो नहीं सकता है, क्योंकि ए ओ अगर वुमेन का पेयर ऑफ जीन हुआ इसका मतलब ए तो डोमिनेंट है, तो ओ तो हो नहीं सकता यहाँ पे ब्लड ग्रुप, ठीक है, इसलिए ये केस पॉसिबल नहीं है यहाँ पे।
तो वुमेन का ब्लड ग्रुप ओ हो रहा है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ से गैमेट निकलेगा, अब क्या तो ए निकल सकता है नहीं तो ओ निकल सकता है, यहाँ से गैमेट तो ओ निकलेगा। तो ये ए ये ओ के साथ मिक्स होके क्या देगा, ए ओ देगा। और ए चूंकि हमने यहाँ पे पहले ही डोमिनेंट मान लिया है तो बेटी का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बेटी का ब्लड ग्रुप तो ओ है, तो इसका मतलब यहाँ से ए नहीं निकला है, ओ निकला होगा। और ये ओ ओ मिल के तब जाकर बेटी का ब्लड ग्रुप जो है वो ओ बना होगा, ठीक है। तो ले देखे बात यही है कि हम लोग यहाँ पे पहले ही ए को डोमिनेंट मान रहे हैं। हमारे पास कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं है जिसके कारण हम बोल सकते हैं कि ए डोमिनेंट होगा ही होगा और ओ रिसेसिव होगा ही होगा, ठीक है। कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। तो इसका सिंपल आंसर ये होगा कि जो जीन है ना वो हमेशा क्या एग्जिस्ट करता है, पेयर में एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे सिर्फ ब्लड ग्रुप ए बताया गया है, अगर ये बता देता कि यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए ए है या फिर ए ओ है, तब हम लोग एग्जैक्टली बोल पाते कि कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव है। यहाँ पे सिर्फ ब्लड ग्रुप ए बताया गया है, इसका दूसरा पेयर नहीं बताया गया, इस वजह से हम यहाँ पे परफेक्ट आंसर नहीं दे सकते हैं। तो इसका आंसर आपको लिखना होगा कि नो, द इन्फॉर्मेशन इज नॉट इनफ बिकॉज द ब्लड ग्रुप इज डिटरमाइंड बाई अ पेयर ऑफ जीन, वन इनहेरिटेड फ्रॉम मदर एंड द अदर फ्रॉम फादर, ठीक है। इतना बात आपको लिखना होगा यहाँ पे। चौथा क्वेश्चन है, हाउ इज द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड डिटरमाइंड इन ह्यूमन बींग्स। ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन हम पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। चलिए अगला जो टॉपिक है इवोल्यूशन, ये इस बार के सिलेबस से हट चुका है तो यहाँ से आपको नहीं पढ़ना, चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज से देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, अ मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट कंसिस्टेड ऑफ ब्रीडिंग टॉल पी प्लांट बियरिंग वायलेट फ्लावर्स विथ शॉर्ट पी प्लांट बियरिंग वाइट फ्लावर। तो दो टाइप के पी प्लांट है, एक है टॉल जिसमें वायलेट फ्लावर है और दूसरा है शॉर्ट जिसमें वाइट फ्लावर है, दोनों को क्रॉस करवाया गया, ठीक है। फिर तो क्या पाया गया, द प्रोजेनी ऑल बोर वायलेट फ्लावर। तो प्रोजेनी में हमें वायलेट फ्लावर देखने को मिला, इसका मतलब जो वायलेट है वो क्या है, डोमिनेंट है, इतना हमें समझ में आ गया। बट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ देम वर शॉर्ट, लेकिन जो आधे बच्चे थे वो शॉर्ट थे और आधे बच्चे लंबे थे, इसका मतलब जो पेरेंट थे। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए दिस सजेस्ट डैट द जेनेटिक मेकअप ऑफ द टॉल पेरेंट कैन बी डिपिक्टेड एज। तो ये जो टॉल पी प्लांट था उनका जेनेटिक मेकअप कैसा था। तो इतना तो श्योर है कि ये जो वायलेट है सभी बच्चों में वायलेट देखने को मिला, तो वायलेट डोमिनेंट है, ठीक है। तो वायलेट के लिए दो ठो कैपिटल डब्ल्यू आएगा, तो क्या तो ये हो सकता है, नहीं तो आंसर ये हो सकता है, ठीक है। अब देखिए बच्चे सभी तो लंबे नहीं हुए, कुछ शॉर्ट भी हुए, इसका मतलब पेरेंट में कुछ शॉर्टनेस वाला गुण भी होना चाहिए, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी होना चाहिए। ये नहीं हो सकता है क्योंकि अगर कैपिटल टी होता तो सभी बच्चे लंबे निकल जाते, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, अ स्टडी फाउंड डैट चिल्ड्रेन विथ लाइट कलर्ड आइज आर लाइकली टू हैव पेरेंट्स विथ लाइट कलर्ड आइज। तो एक स्टडी में पाया गया है कि ऐसे बच्चे जिनका आई का कलर थोड़ा लाइट था उनके पेरेंट्स का भी आई का कलर क्या था, लाइट था। तो क्या ऑन दिस बेसिस कैन वी से एनीथिंग अबाउट वेदर द लाइट आई कलर ट्राइट इज डोमिनेंट और रिसेसिव। क्या इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि ये जो लाइट आई कलर जो ट्राइट है ये डोमिनेंट है या फिर रिसेसिव है, अगर बोल सकते हैं तो क्यों, नहीं बोल सकते तो क्यों नहीं। तो देखिए एक बार के लिए हम मान लेते हैं कि ये जो लाइट कलर्ड आई ये ट्राइट है ये डोमिनेंट है। तो डोमिनेंट है इसका मतलब पेरेंट में एल एल होगा, ठीक है, और बच्चे में भी क्या दिख जाएगा, लाइट कलर्ड आइज दिख जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये चलिए अब दूसरा केस हम लेते हैं, मान लेते हैं कि ये लाइट कलर्ड आई क्या होता रेसेसिव होता, तब क्या होता, एल एल होता और दूसरे वाले पेरेंट में भी एल एल होता और क्रॉस करने के बाद बच्चे में भी एल एल दिख जाता। तो मतलब ये तो यहाँ पे कुछ भी हम कंक्लूसिवली परफेक्ट वे में नहीं बोल सकते हैं कि ये जो लाइट कलर्ड आई है ये डोमिनेंट है कि रेसेसिव है, ठीक है। हमें एक और पेयर, दूसरा वाला पेयर भी जानना होगा अच्छे तरीके से इसका जवाब देने के लिए, ठीक है। तो ये कंडीशन जो इतना जो लाइन लिखा हुआ है ये डोमिनेंट से भी सेटिस्फाई हो रहा है, रेसेसिव से भी सेटिस्फाई हो रहा है, तो यहाँ पे कंक्लूसिव रिजल्ट हम नहीं बता सकते। तो इसका आंसर भी हो जाएगा नो, दिस इन्फॉर्मेशन इज नॉट सफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आउटलाइन अ प्रोजेक्ट विच एम्स टू फाइंड द डोमिनेंट कोट कलर इन डॉग्स। कुत्तों का जो रंग है वो उसका डोमिनेंट कलर क्या होगा, एक एक्सपेरिमेंट के जरिए समझाइए। तो देखिए इसका आंसर ऐसे लिखेंगे कि लेट अस कंसीडर वन पेरेंट इज होमोजाइगस ब्लैक। होमोजाइगस ब्लैक मतलब दोनों ही बी है वहाँ पे, ठीक है। अब ये पता नहीं है कि ब्लैक जो कोट कलर है ये डोमिनेंट है कि रिसेसिव है, ये हमें पता नहीं है फिलहाल के लिए। और एक पेरेंट मान लेते हैं जो होमोजाइगस ब्राउन है, बी वहाँ पे मान लेते हैं, छोटा भी, लेकिन अब हम श्योर नहीं है कि ब्लैक डोमिनेंट है और ब्राउन रिसेसिव है, ये हमें पता नहीं है। फिर दोनों को क्रॉस करवाएंगे
क्रॉस बिटवीन द टू पेरेंट प्रोड्यूसेस द ऑफस्प्रिंग विद जेनेटिक मेकअप बीबी, हमें जेनेटिक मेकअप बीबी मिल जाएगा, ठीक है। अब हमें यह पता नहीं है कि ब्लैक डोमिनेंट है कि ब्राउन डोमिनेंट है, तो हम क्या करेंगे, ऑफस्प्रिंग को ऑब्जर्व करेंगे। अगर हमें बच्चा F1 का बच्चा अगर ब्लैक दिख गया तो हम बोल देंगे कि ब्लैक डोमिनेंट कोट कलर है, और अगर हमें F1 का बच्चा ब्राउन दिख गया तो हम बोल देंगे कि ब्राउन डोमिनेंट कलर है, ठीक है। तो इतना बात आपको लिखना होगा यहाँ पे। फिर लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि हाउ इज़ द इक्वल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स इंश्योर्ड इन द प्रोजेनी। तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वही आंसर आपको यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। चलिए वीडियो एंड करने से पहले एक क्वेश्चन और हम आपको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ है इन पीज अ प्योर टॉल प्लांट TT इज क्रॉस्ड विद अ शॉर्ट प्लांट TT, द रेशियो ऑफ प्योर टॉल प्लांट्स टू शॉर्ट प्लांट्स इन F2 इज। तो अगर आपको ये कर पाएंगे तो वीडियो को पॉज करके जरूर इसको सॉल्व कीजिए, नहीं तो मेरा सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन ने बोला है कि एक प्योर टॉल प्लांट है TT, उसको क्रॉस कराया जा रहा है शॉर्ट प्लांट से, प्योर शॉर्ट प्लांट। तो फर्स्ट जनरेशन में हमें पता है यहाँ से जो गैमेट निकलेगा T, यहाँ से गैमेट निकलेगा T, और जो बच्चे होंगे वो सभी इस टाइप के होंगे, ठीक है। फिर जब तो ये मिल जाएगा F1 में हमें मिला T, फिर F2 के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे ही दो को क्रॉस करवा देंगे और यहाँ से गैमेट निकलेगा T, और यहाँ से गैमेट निकलेगा T, फिर यहाँ पे हम पनेट स्क्वायर बनाएंगे T, तो जो भी पॉसिबिलिटी बनता है वो लिखेंगे यहाँ पे। तो क्वेश्चन में पूछा था कि द रेशियो ऑफ प्योर टॉल टू शॉर्ट प्लांट, तो प्योर टॉल ये रहा, शॉर्ट प्लांट ये रहा, तो दोनों का रेशियो क्या है, तो ये एक ठो है, ये भी एक ठो है, तो रेशियो हो जाएगा 1:1, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए तो उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा ये चैप्टर, और एक क्वेश्चन आपको पहले भी दिए थे उसको जरूर सॉल्व कीजिएगा और उसका आंसर को कमेंट में पोस्ट कीजिएगा, ठीक है। और थोड़ा ये चैप्टर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन फिर भी इस वीडियो को थोड़ा एक दो बार देखिएगा तो आपको सारा डाउट क्लियर होगा, और फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, ठीक है, जितना हो पाएगा हम उसका जवाब देंगे। चलिए फिर एंड करते हैं वीडियो से, अगर वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और भी कई सारे चैप्टर का वीडियो बन चुका है, आप उसको जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है साइंस के प्लेलिस्ट का, इंग्लिश का भी वीडियोज है वहाँ भी आप देख सकते हैं। चलिए फिर एंड करते हैं, मिलते हैं पॉसिबल किसी और चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।